मुझे लगता है हमारे जमींदार फिर से बाप बने हैं। तीन बीवियों से लड़कियां हो चुकी है, मतलब इस बार लड़का ही होगा। फिर से लड़की हुई है ना, मुझे तो तरस आता है इन औरतों पे। सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर ये गांव वाले हमें आपकी वसीयत नहीं देंगे तो चलेगा, हमारी बेटी भी बच्चे को जन्म दे सकती है ना जी। मेरी बात सुनिए जी, आपको सिर्फ लड़का चाहिए ना, आपकी ये मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाएगी। क्या आपको बेटियां पसंद नहीं है पिताजी? hey, मेरे पास आओ, आओ यहाँ बैठो। सुनो, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हारा नाम रानी क्यों रखता? अब देखो ना, ये महालक्ष्मी रानी, ये वैभव लक्ष्मी रानी, ये संयुक्ता रानी, झांसी रानी, और ये नई मेहमान जो है ये है पद्मावती रानी। अपने नाम के जैसे तुम सब रानी हो, और जहाँ भी तुम सबकी शादियाँ होंगी वहाँ रानी बनकर ही रहोगी। लेकिन जरा सोचो, मेरे मरने के बाद तो कोई ऐसा राजा चाहिए ना जो तुम सबका ख्याल रखे। कहानी में ट्विस्ट ये था कि उनकी बेटी मगम्मा ने एक बेटे को जन्म दिया। पिताजी खुश रहो बेटी, खुश रहो। पिताजी आपको हमेशा से बेटा चाहिए था ना, आप इसे रख लीजिए, अपने बेटे की हैसियत से इसकी परवरिश कीजिएगा। मैंने घर वालों से बात कर ली है पिताजी। तू भी अपने पिता की तरह बड़े दिलवाली है, तुम्हारे मुझसे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। इसके आने की खुशी में क्यों ना 500 लोगों को खाना खिलाया जाए। अब इसका नाम क्या रखा जाए? शिव शंकर कुमार। बेटी तुम्हारी बातों से मुझे बहुत खुशी हुई, इसे पकड़ो। वैसे मैं अपने नाती को अपना बेटा कैसे बना सकता हूँ? असली खुशी तो तब मिलती जब मेरा बेटा अपने खून का हो। क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो? अब जरूरी बात यह थी कि शिवागामिनी सेल्वम पूरी तरह से तुम्हारा है, मगम्मा उसकी माँ है। ये सभी लोग केले के पत्ते के लिए आए हैं क्या? अरे, 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 क्या हुआ? खुशखबरी है, तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। पर लोग कहते थे कि ये कभी माँ नहीं बनेगी। अरे वाह, ये तो ईश्वर का वरदान है, स्वीकार करो उसे। मालिक हम सभी लोग मंदिरों में तीन दिन से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको बेटा ही हो, और आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज वो दिन है जब मुर्गन ने असुरों का सर्वनाश किया था। आखिर में उनका पांचवा बच्चा उनकी पहली बीवी से पैदा हुआ, और उनकी छोटी बहन ने अपना दूसरा बच्चा पैदा किया। ये है हमारे खानदान का वारिस। मुझे जितनी खुशी है उतना ही डरा हुआ हूँ मैं। ऐसा क्यों? अकेला बेटा और उसकी पांच बहनें, सोच रहा हूँ उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होंगी। जब मेरे बेटे की सभी पांच बहनें शादी करने के बाद अपना अपना घर बसा लेंगी तो उनके बेटे, भाई, बहन, रिश्तेदार सबके इकट्ठा होने पर मेरा बेटा सबको कैसे संभाल पाएगा? इनका खानदान जो दिलेरी और इज्जत के लिए जाना जाता है, आज वो लोग इसमें भाग ले रहे हैं जो एक मैल का रेस है। क्या कर रहा है रे, तू इसका फोटो क्यों ले रहा है? तुझे ये रेस जीत कर गाँव का नाम ऊंचा करना है, गुना सिंगम नहीं जीतना चाहिए। ऐसा नहीं होगा भाई। पेरुनाही रणा सिंगम, कन्या राशि चित्रा नक्षत्र, वनावन माँ देवी, ऋषभ राशि रोहिणी नक्षत्र, पंचवन माँ देवी कुंभ राशि पुरातटी नक्षत्र, सेम्बियन माँ देवी कर्क राशि पुनर्पुसम नक्षत्र, तामराय मनाला सेडियार। क्या मेरा भाई वहाँ पे नहीं आया है? ऐसा है तो फिर मेरा आना तो बनता ही है ना। और ये है सबसे छोटी बहन की बेटी का पति, मतलब पिताजी महालक्ष्मी। अरे बस चालू करने को बोलो ना, हम लोगों को देरी हो रही है। वैभव लक्ष्मी अभी तक गए नहीं। एक टिपर को मिनी बस में नजर नहीं आना चाहिए ना। अरे तू चली जा, जब देखो गाना गाते रहो। और ये दूसरी बहन का पति है। दो भाइयों ने दो बहनों के साथ शादी की, लेकिन दोनों भाइयों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती। संयुक्ता कितने भी लोगों प्रतियोगिता में जीतेगा तो मेरा भाई ही। मानिक राव गाँव की बजाय तू भाई को सपोर्ट कर रही है, कितनी स्वार्थी है। पूनम रानी और ये है तीसरी बहन की बेटी। झांसी रानी हमारी तरफ से मेरे भैया हिस्सा लेते हैं, उनके पति इंद्रजीत। अरे बस भी करो अपने भाई की तारीफ। नमस्ते, मेरी माँ पद्मावती,
मकर राशि थिरुवनम नक्षत्र। और यह है पांचवी बहन, मेरे दादा की दूसरी बीवी की बेटी। इनकी सिर्फ एक ही बेटी है। मैं अंडाल प्रियदर्शनी, ऋषभ राशि रोहिणी नक्षत्र, शिवागामियम सेल्वम। क्या बात है। ए भाई, तुम लोगों ने देखा क्या? तुम लोगों ने इस खुशी को कभी महसूस किया है क्या? इन बैलों को इंसान से ज्यादा इज्जत दी जाती है और स्वागत किया जाता है। बैल इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अंकल घोड़ा सिंघम ही जीतेंगे। आज की रेस में मेरे मामा ही जीतेंगे। मामा का नाम क्या है? उनका नाम है घोड़ा सिंघम, शिवा गोत्रम, हस्तम नक्षत्रम, कन्या राशि। सब बैलों की जोड़ी रेस के लिए तैयार है। सब लोग रेडी है? 3, 2, 1। अरे मामा जी कहाँ हैं? चौथी क्लास से वो दोनों एक दूसरे से झगड़ते ही रहते थे। गरीब बच्चों के भविष्य को रोशन करने वाले मिस्टर सूर्या, वो आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर थोड़ी ही देर में पधार रहे हैं। वो आ चुके हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मुबारक हो भाई, बहुत बढ़िया। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से अभी तक हमारी परंपरा जिंदा है। लाइए भैया, एक माला काफी नहीं है, और दो माला चाहिए। मतलब? मैंने तो बस गाड़ी हाँकी, असल में भागने वाले तो ये हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? ये ले तालियां। अब बताओ, अब तो खुश हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? गुणा सिंघम भैया। नाम बहुत अच्छा है। ये लो तुम्हारे जीत का इनाम। धन्यवाद बेटी। नाना जी, ये लीजिए। भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है, ये क्या चीज है? पुदीने वाला छाछ है, सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। जिस काम से आया हूँ वो बता के निकलता हूँ मैं। आने वाले चुनाव के लिए
अगर आप कहें तो मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। मुझसे पूछ रहे हो? अगर मैं किसी से कहूंगा तो कोई भी वोट नहीं देगा। पूरे गांव का वोट मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ आपका वोट मुझे चाहिए बहुत है। क्योंकि आप इस गांव में अकेले नहीं हैं, ये पूरा गांव ही आपका है। पूरे 5,000 से ज्यादा वोट हैं इस गांव में। ऐसा है क्या? हाँ। इतने सालों से मुझे पता ही नहीं है। भाई साहब, कार्तिकेय की तरह ब्रह्मांड का भ्रमण करने से अच्छा कि गणेश जी की तरह सिर्फ आपकी परिक्रमा कर लूं, मेरे लिए बहुत हो जाएगा। आप बात तो सही कह रहे हैं गणेश जी, लेकिन अभी मेरी बात सुनता ही कौन है? अभी तो सब गुना सिंघम की बात सुनते हैं। बेटे की बात कर रहे हैं क्या? उनको बुलाइए ना। वो आज खेतों की जुताई के लिए गए हैं। आप एक काम कीजिए, आने वाले 9 तारीख को मेरे नातिन की कान की छिदाई की रस्म है। अच्छा, अगर आप उस दिन आते हैं तो सभी लोगों से मुलाकात हो जाएगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं आ जाऊंगा। चलता हूं। अच्छा, ये लीजिए। ये क्या है? हमारे घर जो भी आता है हम उसे ये देते हैं। अच्छा रिवाज है, अच्छा रिवाज है। गुणा मौसी आई है। मैं आपको हरा दूंगा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। कांचदाई की रस्म में जरूर आइएगा पापा। हाँ ससुर जी, जरूर आइएगा। कैसी है मंजी? अरे सुनो बेटा, हाँ सबको निमंत्रण दे दिया है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे घर में फंक्शन होता है तो कोई नाराजगी की वजह से नहीं आता है। मैं चाहता हूँ कि इस बार के फंक्शन में सभी लोग आए। ठीक है ससुर जी। सर को एक पत्रिका दे दो। ये सिर्फ तुम्हारे टीचर थोड़ी है, मेरे भी तो टीचर है ना। मेरी बेटी की कांचदाई की रस्म है, जरूर आइएगा। ठीक है बेटी। जीजा जी, हाँ साले साहब, सबके नाम के साथ उसकी उपाधि भी लिखी हुई है। क्या कहा? तो फिर मेरा सिर्फ नाम लिखा, उपाधि क्यों नहीं लिखी? सब लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए साथ में उपाधि लिखी, लेकिन आपने तो सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है ना? डॉक्टर के साथ डीआर लिखा हुआ है, इंजीनियर के साथ ईआर लिखा हुआ है। हाँ। प्रिंटिंग चलाने वाले वड़ीवेल जीजा जी के नाम के बगल में गर्व से प्रेस लिखा हुआ है। मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ तो मेरे नाम के साथ किसान लिखना चाहिए। अगर किसान लिखवाता तो लोग हंसते ना? जो हंसेगा उसको चप्पल से मारूंगा। गुणा सिंघम, किसान लिखवाइए गर्व से, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। मैं भी हर महीने करीब 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ। हर काम में रिटायरमेंट है, लेकिन हमारे काम में कोई रिटायरमेंट नहीं होती है। कैसे दिन आ गए हैं, अपना राष्ट्रीय व्यवसाय सबको याद दिलाना पड़ता है। सुपर्ब है। अभी आप जवाब दीजिए महाशय। अरे बेटा। जी ससुर जी। ये जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से व्यवसाय के बारे में किसान लिखना ही सही रहेगा। हाँ, ऐसा कि पिताजी, सिर्फ इसी की पत्रिका में किसान लिखकर देना होगा। मैं कुछ नहीं जानती, नई पत्रिका छपाइए। नया छपाऊं? बेवजह खर्चा मत करवाइए जीजा जी। हाँ। रहने दो, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा। ठीक है। ठीक है, आती हूँ मां। चलता हूँ ससुर जी। फ्रेंड्स, आज हमारे परिवार में कान छेदने का फंक्शन है, मेरी छोटी बहन और भाई का। मेरे प्यारे घुड़ा सिंघम, पूरा गांव चौंक गया उन्हें देखकर। सबकी नजर सिर्फ उन्हीं पर है। राजा की तरह उनका स्वागत किया जा रहा है। दादी, ये देखो पशुबाई विघटन पत्रिका में घुड़ा सिंघम के बारे में लिखा है। स्मार्ट लग रहा है ना? हे, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। सारे रिश्तेदार आ गए। सारू अभी तक नहीं आए, उन्होंने पहले बता दिया था कि वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए उनका बैनर लगवाया। छोटे झाड़ू आ गए, वो अंदर है। क्या है ये? एक ये है जिसके पीछे सारी लड़कियां घूमती रहती हैं, और एक मैं हूँ जिसकी तरफ कोई देखता तक नहीं है। क्या जिंदगी है मेरी। क्या हुआ? अरे मामा, आपसे जो लड़कियां मिलती हैं 1000 वाट का स्माइल देती हैं, और मुझे जो लड़कियां मिलती है ना 0 वाट का स्माइल भी नहीं देती है। क्या किस्मत है मेरी। मेरी कुंडली है। क्या कुंडली मामा? हेलो हैंडसम, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूं। अरे जाओ 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 यहाँ से, जाओ खाओ। अगर आप कहो तो मम्मी पापा को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। आप हाँ कहेंगे तो काम शुरू कर सकता हूँ। पसीना आ रहा है, पूछ लो। हाँ, पापा भी कह रहे थे कि जल्दी जाना है ना, तो उस तरफ भी। अरे सारू साहब को दो। किसी दिन उसको जरूर मजा चखाऊंगी मैं। ठीक है ना, जरा देखो तो कैसे गुणा को इम्प्रेस करने में लगी है। बहुत चालाक है, लगता है सब लोग मिलकर इन दोनों की शादी करवा देंगे। हैं? तो हम लोग किस लिए हैं? देखती हूँ शादी कैसे होती है। पूनम ही गुणा की बीवी बनेगी, इसे कोई नहीं बदल सकता है। सबसे पहले उसका ही अधिकार बनता है, वो बाहर की थोड़ी ना है। शुरू हो गया यहाँ पे विधानसभा। मामा इधर देखो, ये पांचों बहनें ना एक दूसरे के करीब हैं, सिर्फ ऐसा दिखाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ी गुटबाजी है। ये है ग्रुप ए और वो है ग्रुप बी। समारोह खत्म होने दीजिए, फिर देखिएगा कैसे एक दूसरे की खिंचाई करती हैं। राणा सिंघम जैसा नाना और गुड़ा सिंघम जैसा मामा बहुत खुशनसीब बच्चों को मिलता है। एक महीने में बाल वापस आ जाएंगे, रो मत। अरे आइए आइए, वो मेरी पहली बेटी है, दूसरी बेटी तो वो है। हाँ बैठ जा बैठ जा, आज सिर्फ एक दिन के लिए, उसके बाद सपने में भी कभी नहीं बैठ पाएगी। इस जगह को मेरे नाम पर रजिस्टर कर दिया गया है, ठीक है ना? मैं नहीं जाऊँ। रजिस्टर कर दिया है।
अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छे। रुक जा रुक जा रुक जा, रुक रुक रुक, अरे ये अभी गले में। हे, तेरा भाई दानवीर कर्ण है क्या जो ऐसे लुटा रहा है? चल चल, बड़े रीति रिवाज दिखा रहे हैं। ये अपना रिवाज सही से निभा रहा है और उनको देखी मुंह मोड़ कर जा रहे हैं। बेटी को परनानी से आशीर्वाद दिलवा दीजिए, 90 साल के आसपास उम्र होगी। अरे सुनो, जरा यहाँ आओ। हाँ? झांसी के बच्चों को कितने तोला सोना दिया? कुल मिलाकर 18 तोला होगा और क्या। जब मेरी बच्ची की कान छेदने की रस्म हुई थी तब तुम्हारे पापा ने 6 तोले दिए थे। 18 तोला सोना पहनाने के लिए तेरी बेटी शहर में पैदा हुई है क्या? क्यों साले साहब? अगर रीति रिवाज निभाना ही है तो फिर एक जैसे निभाना चाहिए ना, ऐसे भेदभाव क्यों करना है? अरे अरे, आप लोग फिर से शुरू हो गए। जो नहीं करता है उसे तो छोड़ देते हैं आप लोग, और जो करता है उसे टोकने की आदत पड़ गई है हम लोगों की। हैं क्यों छोटी मम्मी, अपनी बेटी के गले में देखो। और मम्मी तुम अपने बेटे के गले में देखो। मैं क्या कह रही थी कि हेलो, डोंट टॉक, यू सी। क्या ससुर जी, सोने की चैन है, पहना दीजिए, पहना दीजिए। किसके घर में झगड़े नहीं होते, लेकिन फंक्शन में तो सबको आना चाहिए ना। ये क्या है, जब आप आते हैं तो वो नहीं आते और वो आते हैं तो आप नहीं आते। रिश्ता टूट जाए तो फिर जुड़ नहीं पाता है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, दोनों भाइयों को मिलाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ए, जरा यहाँ। क्या हुआ माँ? नानी, अभी पता चला कि मामा ने हम सबको चैन क्यों पहनाया। अभी ये सारा खर्च जरूरी है क्या? ये खर्च नहीं है माँ, ये तो बचत है। सिर्फ दौलत कमा कर रखना बचत नहीं होती है, रिश्तों को संभालना भी तो बचत होती है। अगर हम नहीं देते तो हमें नींद भी तो नहीं आती। ऐसे ही रहना, बदल मत जाना। जी पिताजी। चलो सब लोग खाना खाते हैं। चलो चलो खाना खाओ, चलो चलो। चेन अच्छी लग रही है ना? पसंद आई ना? थैंक्स गुणा। ठीक है, जाकर खाना खा लो। गुणा, हां, सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी पूनम से होगी। ये सच है क्या? नहीं, मतलब मैं सोच रही थी कि अगर तुम अपने मुंह से कह देते तो मुझे यकीन। अरे तुम बिना किसी की बातों पर ध्यान मत दो, जाकर खाना खा लो। जाओ, देखो जितना हो उतना ही बात करो, जा। देखो मामा, किसी की बात मत सुनना, सिर्फ मेरी बात सुनना। दूसरे के कहने पे शादी कभी मत करना मामा। भाई आज का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था, अब बेटे की कमाई से घर पर बैठकर खाने का आनंद ही कुछ और है। सुन बेटे, खेती बारी तो तूने संभाल ली, बहुत अच्छा कर रहा है तू। अब सोच रहा हूँ कि घर की जिम्मेदारी भी तुझे सौंप दूं। अरे चुप रहिए पापा। अरे 50 साल से तो मैं संभाल रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि तू मुझसे बेहतर संभाल सकता है। कितना अच्छा हो कि हमारे पूरे परिवार का एक ग्रुप फोटो घर की दीवार पर लगे, और ये मेरी दिली ख्वाहिश है। और तब मेरे मरने के बाद लोग कहेंगे कि रण सिंघम शेर की तरह खुशहाल जिंदगी जिया। जी आप भी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इससे भी कठिन जिम्मेदारी तुझे दे रहा हूँ। देख, तेरी दोनों माँ की आंखों से और तेरी पांचों बहनों की आंखों से कभी भी आंसू नहीं आना चाहिए। कहीं मेरी आंखों में आंसू ना आ जाए। रुको रुको, अरे रुक जाओ, देखा नहीं रोकी गाड़ी? बूढ़ी देखकर भी नहीं रोकते, बेशरम कहीं। क्या हुआ दादी? एक घंटे से इस बोरी को लेकर खड़ी हुई, इसे बाजार ले चलूंगी तब दो पैसे कमा पाऊंगी। तुम मुझे छोड़ोगे बाजार में? गाड़ी वाले तो गाड़ी ही नहीं रोकते, तुम तो जवान हो, छोड़ दो मुझे। अरे सुन मामा, दादी को गाड़ी में बिठाओ। चलो भागो, भागो, उसका पीछा करो। चलो चलो भाई, और दो से भाई। तारे रारे 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 तारे रारे 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 रारे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यो दोस्त, अरे नया दूल्हा है तो धूप में घूम रहा है, काला पड़ जाएगा। हाँ भाई, सही कहा आपने। अरे शादी में आए रिश्तेदारों को क्या देने वाले हो? बिस्किट दूंगा भाई। हाँ हाँ, लोटा भर के कॉफी दे देना, बिस्किट खाते हुए जाएंगे वापस। ओए, एक एक पौधा दे देना, कल वो पेड़ तुम्हें छांव और नाम भी देगा। ये गाड़ी बीच में क्यों लगाई है, हटाओ यहाँ से। हम बात कर रहे हैं। अरे रुक रुक रुक, कैसे हो भाई? अच्छा गुट्टे, कैसा था वो जल्दी गुट्टू? बहुत ही शानदार था भाई। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है क्या? आप गाड़ी बीच में चला रहे थे, हमने हॉर्न बजाया था क्या? अगर गाड़ी नहीं हटाई तो पुलिस को बुलाऊंगा और मैं सिंघम को बुलाऊंगा। क्या फ्लाइट चलाने की तरह तेज भगा रहे थे? हा? तेरे काम को डिस्टर्ब किया तो गुस्सा आ रहा है क्या? हमारे काम को डिस्टर्ब किया तो गुस्सा नहीं आएगा हमको? क्यों बोरियां लिए बगैर जा रहे थे? अगर 3 बोरियां चढ़ाऊंगा तो 8 लोग कम चढ़ेंगे, फिर मेरे कलेक्शन का क्या होगा? ओनर मुझ पर चिल्लाता है। तुम्हारे ओनर को अनाज नहीं खाना है क्या? कौन सा गाँव है? शहर है। तब तो मुश्किल है।
उस बोरी के अंदर जो बैंगन है ना, उसको उपजाने के लिए कितने मेहनत और पसीना बहाया होगा पता है क्या? कितने साल से कंडक्टर हो? 15 साल से। एक दिन किसान बनकर देखो, उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दिन किसान के साथ रहकर देखो, तब पता चलेगा कि किसान कितना तकलीफ उठाता है। पता होता तो दादी को रोड पर छोड़कर नहीं जाते। आज के बाद इस बस में सीट नहीं होनी चाहिए। हाँ ए सोन, मामा स्पैनर निकाल। रेडी मामा। ए ले जा इसे। हाँ मामा, आराम से आराम से। तुम लोग हमेशा खुश रहो बेटा। हाँ दादी, आराम से बैठ जाइए, आराम से, कोई नहीं बोलेगा। आर यू ओके बेबी? ओके बेबी। हाँ ठीक, चलो जाने दो। ओ चलो चलो चलो, हो गया। अच्छा सुन। हाँ मामा, ड्राइवर की सीट भी उखाड़नी है क्या? बहुत देर से बैठकर आ रहा है वो। नहीं नहीं हाँ? दादी को वो बीच रास्ते में उतार सकता है, इसलिए वो जहां तक जाएगी वहां तक। सही है मामा, दादी के उतरने तक या फिर पार्टी के उतरने तक। मामा कौन है? पार्टी है, लगे रहो लगे रहो। मामा उधर अपनी एसी गाड़ी खड़ी है, आ जाओ आ जाओ चलो। भैया 5 रुपए दिए हैं मैंने, 1 रुपए वापस कीजिए। छुट्टे नहीं है बेटा, अगर होते भी ना तो भी नहीं देता। टिकट टिकट टिकट। किधर जाना है? किधर जाना है पता नहीं है, ये किधर जा रही है, किधर जा रही है। टिकट टिकट टिकट। भैया पैसे वापस देना भूलिएगा मत। छुट्टे नहीं है मेरे पास, आएंगे तो दे दूंगा, भाग नहीं रहा हूँ। टिकट टिकट टिकट। एक नंबर की कंजूस मक्खी चूस लग रही है ये तो। जो भी इसे शादी करेगा ना, दीवार पे अपना सर तोड़ लेगा। लड़की के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, और हाँ लगता है मैंने इसको कहीं पर तो देखा है। हर खूबसूरत लड़की को देखकर लड़के बोलते हैं किसको कहीं देखा है मामा। साहब ये हमारे कॉलेज के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड हैं। खुशी हुई आपसे। आपके बेटे के बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, अगर वो कॉलेज में आकर स्पीच देगा तो स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा ना। अरे नहीं नहीं, मुझे स्पीच वगैरह देना नहीं आता। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, खेती के बारे में तो बोलना है। वैसे ये फंक्शन कब है? मार्च 27 को। सर मार्च 27 को मुझे बहुत काम है ना। 27, 28, 29 को हम फसल बोने वाले हैं, है ना। 30-1 को केले के पौधे लगाएंगे। सर आप जो डेट बता रहे हैं ना, वो 30 तारीख को तो फ्री है। ठीक है, वही वही रख लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, हम रख लेंगे। ठीक ठीक है ठीक। अरे यार ये तो वही बस वाली है ना। संगीत बहुत ही अच्छा है ना। सिर्फ संगीत ही दिख रहा है क्या मामा? समस्त दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी नानी यहाँ तो आइए। अब देखिए हमारे चीफ गेस्ट श्री गुणा। मेरा पोता आ गया क्या? खेती करना मेरी कोई इच्छा नहीं है, ख्वाहिश है। अब हम गुणा सिंह हम जी से अनुरोध करते हैं कि वो मंच पर आएं और 2 शब्द कहें। आइए आइए मामा, मेरे बारे में भी 2 बातें। वेलकम वेलकम सर। नमस्कार, आप सबने खाना खाया क्या? मिट्टी पकड़ने वाला हाथ है, पहली बार माइक पकड़ा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करूं। आपका संगीत बहुत ही अच्छा था। अच्छा वैसे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि धान का एक बीज और एक अच्छा शब्द दोनों भी एक समान होते हैं। जैसे कि अगर हम एक अच्छा बीज अच्छी जमीन में बोते हैं तो वो 100 गुना ज्यादा फसल देता है। जब इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया तो मैंने तुरंत हाँ कह दिया। ज्यादातर माँ बाप बच्चों से पूछते हैं कि तू इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा या कलेक्टर बनेगा, लेकिन कृषि का एक ऑप्शन कोई नहीं देता है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा था कि तू इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा या किसान बनेगा। मैंने तुरंत बोल दिया कि मैं किसान बनूंगा और इस काम में मैं बहुत ही खुश हूँ। इसलिए मेरे पापा ने मुझे जो ऑप्शन दिए थे उसके लिए मैं अपने पापा को धन्यवाद कहूंगा। देखा? अरे चुप सुनो। ऋषि हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है, ऐसा बोल बोलकर लोगों ने उसे अपने पीछे छुपा लिया है और हम इसे अनजान जी रहे हैं।
कुछ लोग इस बात को समझकर आईटी का काम छोड़कर खेती करने आते हैं, तो उन लोगों को आम जनता पागल के नाम से बुलाती है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कृषि करने वालों को अपनी बेटी नहीं देने की प्रतिक्रिया रखते हैं। अच्छा है ना? विदेश में पढ़े लिखे लोग भी खेती करते हैं, लेकिन सिर्फ भारत ही ऐसा है। यहाँ किसी को खेती नहीं करनी है, जो अनपढ़ है वही खेती का काम करेंगे और कोई नहीं करेगा। मैं सिर्फ किसान और कृषि की तारीफ करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये मिथेन निकाल रहा हूँ, इथेन निकाल रहा हूँ, पिथेन निकाल रहा हूँ, किसान और कृषि को मिटाने के लिए एक टीम बनाई जा रही है। अरे मामा, घर पे कहीं रेड ना पड़ जाए। अमीर लोगों का डाइट और गरीब लोगों की भूख दोनों अलग अलग हैं। जब आप ये समझोगे उस दिन पता चलेगा कि किसानों को राशन के दुकान का चावल खिलाना ये कितना बड़ा राष्ट्रीय अपराध होता है। अरे मामा, देशद्रोही बोल के कहीं अंदर ना कर दें आपको। आप डर क्यों रहे? मैं हूं ना। अरे आप चुप रहिए महाराज। नम्बरवार ने जैसे हरित क्रांति की शुरुआत की थी, वो हरियाली आज कहीं नहीं दिखती है और ना ही वो क्रांति देखने मिलती है। जनता, सरकार और वैज्ञानिक, ये सारे लोग जब एक हो जाएंगे ना, तो ही अपने देश का भला होगा। जिस दिन नौजवान लोग कृषि और राजनीति को जब प्रोफेशन समझेंगे, तब भारत शक्तिशाली बनेगा। हर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट मार्केट होना चाहिए, तभी किसानों की आत्महत्या कम होगी। क्योंकि आज एक किसान की मौत कल लाखों लोगों की मौत होती है। और वैसे भी किसानों को भला क्यों मरना चाहिए? अरे इतने बेशरम लोग जब जिंदा हैं तो हम क्यों मरे? इस दुनिया को बनाने वाला सिर्फ भगवान नहीं है, अनाज उपजाने वाला भी भगवान है। अरे हम किसान हैं, ये बात गर्व से कॉलर क्या बात है। देखो बच्चों, आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए या वकील बनिए, चाहो तो आप राजनीति में भी जाइए, लेकिन साथ में खेती भी कीजिए। मेरा तो मानना है कि अगले ओलंपिक में आप कितने मेडल लाने वाले हों, इससे ज्यादा अगली पीढ़ी में कितने लोग खेती करने वाले हैं, ये बात बहुत जरूरी है। और यही हमारे घर की और देश की जरूरत है। मैंने ये सब तालियों के लिए नहीं बोला है, कोई किसी के सामने हाथ ना फैलाए इसलिए बोल रहा हूँ। भविष्य में किसान बनने वालों के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और मुझे जो मौका दिया गया है उसके लिए धन्यवाद। मालिक, बेटे ने अच्छी स्पीच दी ना? आखिर बेटा किसका है? मामा, आपकी स्पीच सुनकर मन कर रहा है ना कि पूरा का पूरा खजाना लुटा दूं आपके ऊपर। अबे सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए, वो 50 पैसे वाली किस बस में जाती है वो पता करके बता दे। पता कर लेंगे मामा। ये लीजिए नाना जी, आपके लिए गर्मा गर्म। अरे वाह। देसी मुर्गी का सालन, मच्छी का सालन, केकड़ा, झींगा फ्राई, इसमें से क्या बनाना है? सब कुछ बना दे। अरे कुछ भी बनाओ, लेकिन तुम लोग जब मेरा हाथ छोड़ोगे तभी तो सूप पियूंगा ना। थैंक्स बेटा। बेटा एक दिन की छुट्टी चाहिए थी मुझे। क्या बात है सर, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं बेटा, मेरा पोता 10 दिन से लापता है। मुझे लगा लौट कर आ जाएगा, लेकिन बैलों का रेस देखकर वो लौट कर आया ही नहीं। वो एक लड़की से प्यार करता था। कुछ आदमियों ने उसे धमकाया भी कि दूसरी जाति के लड़की से वो प्यार व्यार ना करे, और उस दिन के बाद से वो लौट कर नहीं आया। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा सर, कहीं गया होगा, वापस आ जाएगा। पूछताछ कीजिए। बेटे जरा तू भी अपनी तरफ से पूछताछ कर ले। ठीक है पापा। क्या बेटा, 7 रुपए 50 पैसा दे रही है, टिकट तो 8 रुपए का है। पहले का आपके पास बैलेंस था ना, अब बराबर हो गया, और आज के बाद छुट्टा नहीं है, ऐसा मत कहना। हटो साइड में, टिकट जाना टकलू। आज के बाद कभी नहीं कहेगा कि छुट्टा नहीं है। 500,000 का नोट बंद हो गया ना, 50 पैसा भी बंद हो जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है। आप सुपर्ब हो, ऐसा ही होना चाहिए। आप भी सुपर्ब है, कितनी अच्छी स्पीच थी आपने। बहुत बढ़िया, आप दोनों बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। जब सब लोग मजाक उड़ा रहे थे तब आप ताली बजा रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनिए, मैंने आपको कहीं तो देखा है। कॉलेज में देखा था? नहीं, उससे भी पहले। बस में? नहीं, उससे भी पहले। किससे पहले? खुशी में भी और गम में भी जॉली सोडा। खुशी में भी और गम में भी जॉली सोडा। इस पोस्टर को देखकर मैं चौंक गया था और सोच रहा था कि ये लड़की मुंबई में रहती होगी। क्यों? खूबसूरत लोग सिर्फ मुंबई में ही रहते हैं? नहीं, ये मॉडलिंग वगैरह सिर्फ मुंबई में ही होती है ना। हेलो, मैं मॉडल नहीं हूँ। तो फिर अभिनेत्री हो क्या? हेलो, मैं ओनर हूँ। ओनर किसका? जॉली सोडा कंपनी की। ओ, अच्छा, आप ओनर होकर खुद ही एक्टिंग करती हैं? क्यों, वसंत कंपनी के ओनर ने, स्वर्णा स्टोर के अनाची ने, ललिता ज्वेलरी के ओनर ने एक्टिंग नहीं की, ये आजकल का फैशन है। फैशन, टीवी देखने वाले जानते हैं कितनी तकलीफ होती है। अपना मुंह बंद कर। आपने हमारा सोडा पिया है? हाँ,
अच्छा टेस्ट है ना? सुपर। मिक्सिंग के लिए सही नहीं है, सारे लोग वॉमिट करके शिकायत करते हैं। हेलो, वो क्या है ना कि उसमें थोड़ा पानी मिला करके, अरे मामा क्या कर रहे हो, कंप्लेन ऐसा था इसलिए मैंने बता दिया। भाई हर गली में अपना मंडल होना चाहिए। सुनो, घर में इतनी सारी कारें खड़ी हैं, ये सब छोड़ के लोकल बस शेयरिंग ऑटो में सफर करना अच्छी बात है क्या? बहुत अच्छा है मामा, ये सब पापा का कमाया हुआ है। जिस दिन मैं इतने पैसे कमा लूंगी ना, उस दिन से ही ये सब यूज करने लग जाऊंगी मामा। मेरे साथ बाइक में बैठने को बोलता हूँ तब भी मना कर देती है। भाई लड़की को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, और वैसे भी ये अपनी लड़की है, तुझे छोड़ के कहाँ जाएगी, चिंता मत कर। क्या माँ, मुझे पहले याद दिला देती तो मैं कल केले का पूरा गुच्छा लेकर आता ना। मैं बताने ही वाली थी लेकिन किसी काम की वजह से भूल गई। हाँ ठीक है। ए, ये सब क्या है? गुड़ा, तुम्हारे घर में रहती हूँ, इसकी दिखने का रिवाज ठुकरा मत देना। बनारसी साड़ी पहनकर लड़कियाँ कॉफी लेकर आती है ना, आप भी मुझे उसी तरह देखना, मेरी यही इच्छा है, ठीक है, वही पूरी करना। अरे पागल, माँ से मिल लिया ना, चलो घर पे, अब इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। आप भी ना। चीयर्स। ये देखो। कौन है ये? लड़की अपनी बिरादरी की है, गोड़ा सिंघम की बहन की बेटी है, लड़का दूसरी बिरादरी का है। सच में। ये देखो ना। पब्लिक प्लेस में कोई ऐसे दांत दिखाता है क्या? ए, तो किस गांव का है, कौन है? क्यों, आप कौन है? ये क्या कर रहे हैं? कौन हो इस गांव में पूछ के देख, पता चल जाएगा। तेरे बाप का नंबर दे। क्यों? अरे दे मेरा फोन। हाँ बोल बेटी। मैं कोडियारसू बोल रहा हूँ, एक जरूरी बात बता दूँ, तुम्हारी लड़की जो है ना बस स्टॉप पे प्यार कर रही है। ये मेरा फ्रेंड है। थोड़ा संभाल के रखो। हमारे खानदान की लड़कियाँ ऐसा नहीं करती है। मेरी बेटी कहाँ जाती क्या करती है देखने के लिए? गुण सिंघम है ना, फोन रख। आज के बाद तुम दोनों को एक साथ देखा ना। देखा तो ए? हाँ बोलो पूनम। हेलो गुणा, फोन दो, फोन दो इधर। हेलो गुणा, कॉलेज छोड़कर हमें मार रहे हैं, मेरा फोन दो। भाई ने जैसे बोला ना वैसे 300 बार उठक बैठक करने का। तू हमारी बिरादरी की लड़कियों को छेड़ता है? क्या कर रहा है? चलो उठे, अगर 3 दिन भी लगे तो भी लगाना है, चलो उठ। हाँ चल। गुणा वो मेरा फ्रेंड है। गुणा ऐसे ही खड़े होकर बात कर रहे थे और ये लोग आकर गंदी गंदी बातें करने लगे, मेरा फोन भी छीन लिया मुझसे, उन्हें छोड़ना मत गुणा। मंगेतर को छेड़ोगे तो तुम्हें छोड़ेगा क्या? फोन करके बुला अपने बिरादरी के हीरो लोगों को। सही कहा। क्यों बे, एक लड़का और लड़की हंसकर बात करे तो इसका मतलब सिर्फ प्यार होता है क्या? और इतनी चिंता क्यों हो रही है हमारे घर की लड़कियों के लिए? जाति वोट यही ना, हम अपने घर के बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों के भरोसे, वो लोग अच्छा ख्याल रखते हैं, ये सारा खेल मेरे साथ खेला है। जातिवाद पार्टी चलाना, जात के नाम पर व्यापार करने वाला, जाति को मिटाने की बात करके उसे पालने वाला, इन सब को चला कर राख कर दूंगा। चलो उड़ा, भागो यहाँ से। इसे कहते हैं पढ़ा लिखा। मैं अनपढ़ हूँ। हाँ? फिर इसे कहते हैं अनपढ़। जाबे। चलो चलते हैं। ठीक है। अपने एरिया में अपना भाव बढ़ने लगा है, ये बात याद रखना। अगर उसे किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की तो एक बात याद रखना, ये कोडियारसू उस पे भारी पड़ेगा। चल जा रहे मामा।
सोडा बोतल के बारे में फुल डिटेल पता चल गया। हाँ। नाम है कनका। क्या शुद्ध नाम है। तो मेरी माँ शिवगामी ने मेरा नाम चाइनीज में रखा है क्या? इकलौती औलाद है। हाँ। बहुत पैसे हैं। हाँ। कार में चल सकती है वो। इतना धन होने के बाद भी वो बस में चलती है क्योंकि उसे सादगी से रहना पसंद है। इसलिए मैंने उसको पसंद किया। सही है। मामा हंस क्यों रहे हो? नहीं यार। हाँ? उस लड़की की सादगी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। मैंने तो उसको ढूंढ लिया। आप एक गूगल हो मामा। गूगल नहीं, गूगल। अच्छा ऐसा है क्या? घर की इकलौती बेटी है। आज के बाद कभी रेस्ट करना हो तो ससुर जी के घर पे। ऐसे शरीर ऐंठ रहा है, लगता है पूरा बकरा ही निकल गया है। पापा आपने कभी प्यार किया है क्या? ये सवाल किससे कर रहा है पता है? है? ये यहीं पर है क्या? पापा आपको उतरने की जरूरत नहीं है, रोड पर खड़े रहोगे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। इससे पहले रथ पर बिठा कर लाते थे क्या? कितने का दिया माँ जी? 30 रुपए का। बहुत महंगा है। पापा उस लड़की को देखिए ना। 15 रुपए के 2 दीजिए, बाकी सब तो सस्ते बेच रहे हैं। आप इतने महंगे की दे रही हैं, कम से कम इतना लंबा दीजिए। एक तो इतना महंगा दे रही हैं, ऊपर से कम दे रही हैं। कितनी समझदारी से मोल भाव कर रही है ना वो। इससे प्यार करता है क्या? यही जरूरी बात करनी है कहकर मुझे यहाँ लाया है। अरे नहीं पापा, आपसे पूछ कर प्यार करूंगा इसलिए आपको यहाँ लेके आया हूँ। मुझे गर्व से देख रहे हो या हीन नजर से देख रहे हो पापा? इससे प्यार करेगा या शादी करेगा? क्योंकि आजकल के लड़के जिससे प्यार करते हैं उससे शादी नहीं करते, और जिससे शादी करते हैं उससे प्यार नहीं करते। प्यार करके शादी करने वाला हूँ। फिर पूनम और चंदा? उन लोगों से शादी नहीं कर सकता, और शादी करने के लायक मैं उनको समझता भी नहीं। पूनम से शादी करो तो प्रिया नाराज होगी, प्रिया से शादी करो तो पूनम नाराज होगी। अरे पापा ये सारी बातें सोचकर भी मुझे बहुत डर लगता है पापा। होशियारी से ये खरीद लिया है, ऐसा मत सोचना। बोनी नहीं हुई थी ना, इसीलिए दे दिया। ठीक है बेटा, तेरी खुशी मेरी खुशी है, लेकिन कल जब ये बात घर में सबके सामने खुलेगी तो सिर्फ तेरी बहने ही नहीं, तेरी माँ भी पूरे घर को सर पे उठा लेगी। उस वक्त ये मत कहना कि मैंने पापा से पूछ कर प्यार किया है। मुझे फंसाना मत। अरे रे रे रे, ऐसे चोर निगाहों से मुझे मत देख, मैं डर रहा हूँ। ओके चल बाइक स्टार्ट कर। हाँ, ठीक है। एक बात सुन ले, तुझे दादी से लेकर छोटे बच्चों तक को संभालना होगा। हाँ, चल। बेटे कभी भी परिवार न बिखरने पाए। ठीक है पापा। क्या स्वामी कैसा है तू? कुड़ियार सु, जरा पुलिस स्टेशन आ सकते हो? अरे आज शादी है, शुभ मुहूर्त निकला है, मंगलसूत्र देना मेरा काम है। बात क्या है? उदय शंकर नाम के लड़के को जो तुम लोगों ने बहुत पीटा था ना, उसकी कंप्लेन आई है। किसने दिया है? गुणा सिंघम ने सर। आप आओगे तो 10 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। कल नाइट राउंड पे कौन गया था? सर, था। वॉकी टॉकी कैसे गुम हो गया? साहब इंस्पेक्टर, गुणा सिंघम जो बोल रहा है वो सब झूठ है, उसके और मेरे बीच में दुश्मनी है। झूठ है तो फिर वहाँ से भाग के क्यों चले गए? जब मैंने किया ही नहीं तो डरू क्यों, इसलिए आया हूँ। हाँ सुनो स्वामी। जी सर। साहब को अकेले में ले जाके समझा दो। हेलो, दुल्हन आ गई है, भाई आ जाएंगे ना? अगले 10 मिनट में भाई वहाँ पे होंगे। कोडियारसु, गुणा सिंह हमने आपके आदमी को उठा लिया। हाँ? पिछले महीने बैल की रेस जब चल रही थी तब मास्टर जी का बेटा जिस लड़की से प्यार करता था उससे बात कर रहा था। ए, कौन है रे तू? देखो भाई हाथ मत लगाओ। देखो भाई जात पात तुम अपने पास ही रखो, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। सर पर चोट लगने की वजह से वो बेचारा मर गया। ये आपने क्या कर दिया भैया? राजनीति करने और राजनेता बनने के लिए त्याग करना चाहिए जैसे इसने किया। एविडेंस नहीं मिलना चाहिए इसलिए उसकी बॉडी को जलाकर उसकी राख को नदी में बहा दिया। मैं उसकी राख भी नहीं देख पाया, ऐसा कर दिया उन लोगों ने। कोडियारसु का बैकग्राउंड मत देखिए सर, इसमें गणित मास्टर जी का बहुत नुकसान हुआ है। मैं वहां शादी में था और तुमने मुझे यहाँ बुला के फंसा दिया। अरे रे, अभी जा सकते हो? सच में? हाँ, कितना हो सकता है? 10 लाख। 20 लाख। 25 लाख। बात करके देखते हैं। जाके बोल। अरे रे मामला बिगड़ जाएगा, आप खुद ही जाके बात कीजिए। इंस्पेक्टर गुस्से से मारा था, मर गया। FIR तो नहीं हुई है ना? मतलब आपने उसको मारा ये आप कबूल कर रहे हैं? अच्छा सुनो स्वामी, होने वाले मंत्री को सेल के अंदर लेकर जाओ, कल कोर्ट में इन्हें प्रोड्यूस करना है। ए, उठ उठना।
आज तक स्वामी तुम्हारी तनख्वाह के लिए काम कर रहा था। आज पहली बार स्वामी ने सरकारी तनख्वाह के लिए काम किया है। मैंने तुझे शिक्षा दी और तूने मेरे ही पोते को मार डाला। नरक में सड़ेगा तू। पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद। शादी के बीच में भाई को अरेस्ट कर दिया पुलिस ने। मेरी बीवी के भाई हो इसलिए तुम लोगों को अपने घर में रखा है। मैंने गलती की। ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस मामले की वजह से अगर मेरी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई ना तो फिर। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जीजा जी। चलो जाओ। मामा, मामी आ रही है। अरे मामा कहाँ जा रहे हो? मामा मंदिर में। अरे आज हमने नहाया नहीं है। अरे मामा। अरे सुन, कहाँ चला गया? अरे यार, अरे कहाँ चला गया यार? अंदर चाय पीने गया था मामा। अरे मेरे कंस मामा, मामी को पटाने के लिए इस बर्फीले पानी में ढकेल कर मुझे मारना चाहते हो? बेटा बैठ कर आराम से नहा लो ना। कल आके सो के नहा लूंगा। अपना ही है। इधर हम लोग फैंसी कंपटीशन में आए हैं क्या? हे भगवान। वेंकटरामा पांडुरंगा गोविंदा गोविंदा। ये कार्तिकेय ने। सॉरी कार्तिकेया। क्या मामा, आपको पंचामृत लड्डू का फर्क नहीं पता है क्या? चला गया। आप सिर्फ खास दिनों में ही मंदिर आती हैं या हर रोज आती हैं? रोज आती हूँ। मुझे रोज आना पड़ेगा क्या? माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल पर आरोप लगाया गया है, लेकिन इन्होंने समाज की बहुत सेवा की है। इन्होंने समाज के लिए सेवा किया है या अपने समाज के लिए किया है? बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं ये। पासपोर्ट को हम कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं। आपसे विनती है कि इनकी जमानत मंजूर कर दीजिए जज साहब। इन्हें जमानत देनी है या जेल भेजना है ये मैं तय करूंगा। छात्र का खून किया है इन्होंने। इनके गांव में जाने से दंगा फसाद हो सकता है, इसीलिए इन्हें 200 किलोमीटर दूर स्थित मदुराई शहर के पुलिस स्टेशन में पहुंचकर दोनों वक्त साइन करना होगा। मंजूर है? मंजूर है साहब। अच्छा ये बताओ, सुबह के समय साइन करने के बाद रात को तुम्हारे आदमी कहाँ पर ठहरेंगे? होटल में रूम बुक करके। जैसा साहब जानता था, वो लोग सुबह साइन करने के बाद मजे से मटन पकाकर दारू के साथ खाना खाकर टीवी देखेंगे, फिर शाम को नींद लेने के बाद नहा धोकर साइन करने पहुँच जाएंगे और उसके कुछ देर बाद नाइट शो की फिल्म देखने चले जाएंगे। मैं ये सब नहीं होने दूंगा। ये कोई साधारण हत्या नहीं है, एक छात्र की हत्या है। अच्छा तुम्हें तिरुपति कुंड तालाब पता है क्या? पता है साहब। और ग्रेव का पेड़ पता है? पता है। वो क्या करता है ये भी पता है? जमीन के पानी को खींच लेता है। वो पेड़ तालाब को चारों तरफ से घेरे हुए। तुम्हें काम करना है, तुम्हें हर दिन साइन करने के बाद सीधे उस तालाब पर पहुंचना है और 10 डालियां काट कर तालाब के उस पार उन्हें पहुंचाना है। ऐसा करोगे क्या? करूंगा साहब। आइए सर, आइए। क्या भाई इतनी जल्दी? दरवाजा बंद किए बिना बैठे हो? बंद मत कर, जेल में भी ऐसे ही खुला रहेगा, इसी तरह रहने दे। बाथरूम में पानी मत डाल, पेशाब की बदबू से मुझे उल्टी होनी चाहिए, पूरे दिमाग को उखाड़ कर फेंकने जैसा महसूस होना चाहिए। मेरे खुद के गांव में कदम रखने से रोक दिया ना, मैं किसी भी आयोजन में शामिल न हो सकूं, ऐसा कर दिया उसने। भाई ऊपर बैठिए ना। जेल में चाय नहीं देते रे बेवकूफ, जमीन पे बैठना है और जमीन पे ही सोना है। मेरे खाने के लिए अल्मुनियम की थाली लेके आ। ऐसे ही जेल में देते हैं। जेल से बाहर आ गए हो, जेल की बात मत करो भाई। जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा। उस गुड़ा सिंघम को मार के जेल जाऊंगा, तब तक ऐसे ही रहूंगा। बत्तियां बुझा तो मुझे नींद नहीं आती है। बहुत घना जंगल है। तू अपना मुंह बंद रख।
ए भगवान है, भगवान है, भगवान है। क्या है? कुछ नहीं। तुम मुझसे प्यार कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो? प्लीज प्यार ही करता हूँ। फॉलो कर रहे हो? कसम से बोल रहा हूँ। हाँ, अगर हिम्मत है तो मेरी आंखों में देखकर अपनी राइट हैंड को लेफ्ट हार्ट पर रखकर मैं तुमसे प्यार करता हूँ ऐसा कहकर दिखाओ। गलत नहीं है, गलत नहीं है। बोलो जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। सिर्फ इस उम्र में ही नहीं, बूढ़ी होने के बाद भी प्यार करूंगा, यही मेरी इच्छा है। आप मुझसे शादी करेंगी? मैं बहुत खुश रखूंगा, झगड़ा करूंगा, इतने दिन शादी क्यों नहीं की ऐसा फील करूंगा, और तुम भी शादी के बाद मेरे साथ बहुत खुश रहोगी, कसम से कहता हूं। यही अपना घर है। मैं जाऊं क्या? अरे कोई देख लेगा, आ जाओ। वो वहां पर जो दिख रहा है ना, वही अपना खेत है। खूबसूरत है। वहां तक मुझे कुत्ते की तरह इधर उधर भगाकर उस पेड़ को कटवा रहा है, और उधर वो मेरी बहन की बेटी से लव कर रहा है। हाँ, ए, आज तक जो भूला नहीं सकते वैसा हादसा और ना भूलने वाली भयानक मौत अपने राज्य में कहां हुई है ये बताओ। बहुत है भाई, नागर कोयल में बहुत बड़े गुंडे हैं। व्यासरवाड़ी के मेले में दो टीमों के बीच झगड़ा हो गया भाई। मदुरई में भी दो परिवारों के बीच दुश्मनी थी भाई। इन सबसे भी बड़ा, बहुत बड़ा, पूरा शहर इसके बारे में बात करे, ऐसी मौत गुड़ा सिंघम की होनी चाहिए। हेलो, बोलो ना। ए, हमेशा हंसते रहते हो, ऐसा लगता है फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हो तुम। क्यों, पसंद नहीं है क्या? अब इसके लिए भी हंसोगे? हाँ, और क्या, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ठीक है। वो मामा, सामने बच्चे हैं। अरे मामा, अरे वो बच गए। भगा 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 जल्दी। हेलो, अरे निकाल, जल्दी निकाल, बच गया वो। और जल्दी, और जल्दी, जल्दी भगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। आज के बाद जरा होशियार रहना बेटे। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है पापा। अरे सुनो, मोच इस पैर में आई है, उस पैर में क्यों मालिश कर रही हो तुम? तो चुप कर, मोच उस पैर में है तो दर्द यहाँ पर हो सकता है। सुनो भगवान, हैं? साले साहब को कुछ नहीं हुआ है। कभी मेरा तो इतना ख्याल रखा नहीं है। क्या सफारी, गाड़ी को बीच रोड पे खड़ी करके रखा, साइड में करो ना। हाँ हाँ, कर देता हूँ। भैया, देसी मुर्गी का सूप बनाया है, थोड़ा सा पी लो। अरे बड़ी दीदी, मुर्गी का सूप बना है, बहुत अच्छा बना है, थोड़ा सा पियोगे? अरे हाथी का पैर नहीं मिला क्या? नहीं चाहिए। अरे बाप रे, चोट मुझे लगी है, तेल का मसाज उसे हो रहा है, इस दर्द से ज्यादा वो देखकर दर्द हो रहा है जो वहाँ पर चल रहा है। मैंने पाया सूप बनाया है। बेबी माँ, आप क्या कर रही है? पंखा चल रही हूँ। अरे बाप रे, बहुत ठंड लग रही है, जरा आराम से करो बेबी अम्मा। अबे सुन मामा, इतना दर्द हो रहा है क्या? नहीं, बहुत मजा आ रहा है, हड्डी पसली एक हो गई, पूछता है दर्द क्या हुआ। अब तू क्यों रो रही है? गुणा को कुछ भी नहीं हुआ है। दो बार गुणा से दुश्मनी निकालने की कोशिश की है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, गुणा के पास तो बहुत बड़ी सेना है। आपकी जबान ही काफी है उनको रोकने के लिए। ठीक से पीना। पी रहा हूँ। बड़ी रानी। हाँ पापा। करो करो करो। पति को बिगाड़ने वाली यही लोग हैं। नाना, हा? आप नशा नहीं करते क्या? हर किसी को कोई ना कोई नशा होता है, मुझे तो अपने परिवार का नशा है। तब ठीक है, गुणा को इसकी आदत नहीं है ना? क्या बात कर रही है तू? बस ऐसे ही पूछा।
ठीक है अब चलो सब लोग बाहर बैठकर खाना खाते हैं। अरे नहीं क्या कर रही है, मैं करता हूं ना, अरे छोड़ ना। नीलकंठ शंकर भगवान की जय। जोले ब्रो आपके लिए भी बनाऊं क्या? भाई गुड़ा रुक जाओ मैं भी आती हूँ, मैं गुड़ा के पास बैठूंगी। अरे बैठा हूँ क्या चिल्ला रही हो? गुड़ा कल कॉलेज की फीस भरनी है, भूलना मत। वो सब पढ़ने वालों के लिए भरते हैं, तुम्हारे जैसे फेसबुक अपडेट करने वालों के लिए नहीं। चुप कर, मैं भी फोटो बनाऊंगी। सब लोग यहाँ देखो। स्वामी सभी जरा रुक जाइए, स्वामी ये मारी माता काली माता। जरूरी कॉल है ना, बात करके आता हूँ। बेटा जरा वहाँ बैठ जा, खाना खा कर जाओ ना गुड़ा। नहीं कल केले के बीज बोले ना, इसलिए ऑफिसर बुला रहे होंगे। हेलो बोलो। कहाँ हो और तुम कैसे हो आप? ठीक हूँ, बस मामूली सी मोच है। मैं तुम्हें अभी देखना चाहती हूँ, आओगे क्या? अरे बाप रे ये नहीं हो सकता, दीदी जीजा जी सब लोग देखने आए हैं। भाई को कुछ हुआ तो सब लोग देखने के लिए आ गए, हमारे बीच प्यार ही उतना है। जाके बता दो कि तुम साइशा नाम की लड़की से प्यार करते हो, अगर बता दिया तो मान जाऊंगी। अरे बाप रे ऐसा सोचने से भी डर लगता है। तुम्हें बोलना ही होगा। क्यों? मेरे छोटे मामा ने पापा को सब कुछ बता दिया है। क्या कह रही हो? फिर पापा ने मुझसे कुछ पूछा तो नहीं? हम खुद ही सामने से बता देंगे, यही उनकी इज्जत होगी। एक किसान को अपनी बेटी देने के लिए आप इतना सोच रहे हो? पढ़े लिखे और पैसे वाले होते उनको देखकर जलने का जमाना चला गया है सर, अब तो जल्दी ही किसानों को देखकर जलने का समय आने वाला है। पढ़ाई करके फौरन जाकर 1,00,000 रुपए कमाने वाले लड़के से अच्छा तो अपने गांव में किसान का काम करके 10,000 महीना कमाने वाले को मुझे इज्जत देना आता है। देखो समस्या अभी कृषि की नहीं है, वैसे तुमने अपने पापा को सब बता तो दिया है ना? पापा को लड़की दिखाने के बाद ही मैंने प्यार करना शुरू किया। ये तिल्ले नायकम की बेटी है, उन्हें पता है? ये क्या नया चक्कर है? देखो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा है। तुम अपने परिवार से बात करो, उन्हें कोई ऐतराज ना हो तो रिश्ते की बात कर लेना। अभी उठा लो, अब आपको मुड़ना है, हम लोग पी लेते हैं। ठीक है मैं आता हूं, चलता हूं। बेटे वापस आओगे अपने बाप की जैसे ही करोगे? मैं समझा नहीं। अगर मेरे घर पे लक्ष्मी आई तो फिर मैं यहां जरूर आऊंगा। वो मेरी बहन थी, बोल कर गए थे लेकिन वापस नहीं आए। बेटी पैदा होगी तो आएंगे बोला था ना, अभी तो लड़का पैदा करके भेजा है ना। आऊंगा पक्का आऊंगा ससुर जी। क्यों बे मारना है, ये फैसला कर लिया है? उस तरफ से जाओगे तो गांव 10 किलोमीटर दूर है और इस तरफ से जाओगे तो गांव 7 किलोमीटर दूर है। इस तरह बीच जंगल में आकर मार खाओगे तो कौन बचाएगा तुम्हें? डरना मत, हम लोग तुझे आज मारने वाले हैं। इधर जंगली जानवर बहुत है, वो तुझे खा लेंगे, इसीलिए हमने इस जगह को सिलेक्ट किया है। अगर मैंने मारा तो ये सारे जंगली मर नहीं जाएंगे बेचारे, क्या कर सकते हैं? रुक जा एक तरकीब बताता हूँ तुझे। अरे मामा अगर मैं इनके हाथ लग गया तो ये मेरे साथ बहुत एंजॉय करेंगे। अरे तू क्यों इतना डर रहा है, तू तो बहुत ही बहादुर है ना। क्या बहादुर हूँ, चूहा हूँ मैं तो, आवाज सुनते फुदक फुदक करके भाग जाता हूँ मैं। देख भाई बहादुरी दिखाने वाला बहादुर नहीं होता, हाँ? जो अपनी कमजोरी नहीं दिखाता है ना वो बहादुर होता है। तो मैं बहादुर हूँ क्या? क्या रे खत्म हो गया क्या? हाँ फोन पे रहो, उसकी चीख सुनते ही आपको जमानत मिल जाएगी। तुम लोग सिर्फ उसका हाथ पैर तोड़ना, बाकी मैं आके खुद करूंगा। ठीक है भाई। हेलो डी हॉस्पिटल है क्या? यहाँ गुड़गुड़ जंगल में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। हाँ काफी बड़ा एक्सीडेंट हो गया सर, यहाँ पर कुछ 15 लोग मार खाकर जख्मी पड़े हुए हैं सर। हाँ जरा जल्दी आ जाइए ना सर। सर उसमें से एक पीला शर्ट पहना हुआ है, हाँ उसके कान से बहुत खून आ रहा है सर। सर उसमें से जो काला शर्ट पहना हुआ है ना उसका हाथ टूट कर है? लेफ्ट हाथ
वो बहुत तड़प रहा है सर। सर एक एम्बुलेंस काफी नहीं होगी क्योंकि सारे लोग जंगली भैंस की तरह लगते हैं यहाँ पर। हाँ। अगर तीन एम्बुलेंस भेजेंगे ना तो सबको उठाकर ले जाने में आसानी होगी। आ रहे हो ना? आ जाओ। ये सब क्यों मामा? जब ठीक करना है तो ठीक से करना है। अभी मैं मारूंगा और तू भी मारेगा। ओके दिशा दिशा लाइन पे है क्या? आरोपी कहाँ है? जमानत मिली या नहीं मिली? जमानत ना मिले ऐसी दुआ कर। जमानत मिल जाए दुआ करूंगा। अगर मिल गई ना? मर्द है तो सामने आ। ओए, भाग गए ना? इस शादी को रोकने के बारे में सोचा ना तो उन सबका हश्र यही होगा। अपने परिवार का कोई हुआ तो? चाहे कोई भी हो। घर में दो दो लड़कियां हैं फिर भी तू बाहर की लड़की से शादी करेगा? देखा ना बेटा, घर में समस्या हो गई ना। पापा, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? देख बेटा, मैं उन लोगों के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकता। अगर किसी ने भी मना किया ना तो मैं राजी नहीं होऊंगा। अगर किसी ने भी मना किया ना तो हम जिससे कहेंगे उससे शादी करनी होगी, उसके लिए तो राजी है ना? सबको मनाना मेरी जिम्मेदारी है पापा। आप अक्सर कहते हैं कि सबके साथ आपको एक फोटो निकालना है, ये जरूर होगा पापा। क्या मामा, बिजली अंदर भी कड़क रही है बाहर भी कड़क रही है? आपने तो ऐसे बोल दिया मामा कि जैसे मामूली स्कूल के बच्चों को बुला करके ग्रुप में फोटो निकलवाना है, लड़कियों को बुला करके उससे रजिस्टर्ड मैरिज कर लें, उसके बाद बच्चा पैदा करने का प्रोसेस शुरू कर दीजिए, उसके बाद कॉम्प्रोमाइज होगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें कम से कम 3 साल लगेगा। एक लोटा और बेडशीट लेकर के हर घर में जाके पंचायत करेंगे ना तभी ये समस्या का समाधान होगा। तो इसे डरा क्यों रहा है बे? डरा नहीं रहा हूँ मामा, इट्स प्रैक्टिकल। आपकी माँ मेरी माँ नहीं है, महालक्ष्मी है, मेरा मतलब सती लीलावती। किसी को अपने पैर पर गिराने के लिए सोच लेना तो अपने पति को भी नहीं छोड़ती। माता, मुझे माफ कर दे। बिल्कुल लड़ चंडी है वो, आई मीन एकदम चंबल की डाकू, एक्शन किंग। छोड़ मुझे, छोड़ दे, क्या है? और तीसरी संयुक्ता, आंसुओं की नींद, आंसू ही उसके हथियार है, वो उसके जरिए सब कुछ हासिल कर लेती है। तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म, ईमान, दया कुछ है या नहीं? पता नहीं क्यों तुमसे शादी कर ली,
मैं रानी की तरह रहूं, इसलिए मेरे पिताजी ने मेरा नाम संयुक्त रानी रखा था। चौथे नंबर की झांसी की रानी है। नहीं, बुद्धिमान है। इन सब की एडमिन है वो। किसी चीज को सब लोग अच्छा कहेंगे तो ये अकेला अच्छा नहीं कहती, और सब लोग जिस चीज को बुरा कहेंगे उसको ये अकेली अच्छा कहती है। मैं जो कहूंगी तुम लोग मानोगे या नहीं? हाँ मानेंगे ना। मानोगी ना तो चलो सब निकलते हैं। हाँ, चलो। पांचवी पद्मावती बहुत प्यार करती है। वो सिर्फ अपनी बच्ची के लिए जी रही है। अगर उस बच्ची को कुछ हो गया ना तो वो क्या करेगी पता नहीं। अगर ये लोग ऐसे हैं तो जीजा लोग, इनके अलावा कनका का मामा भी ना। क्योंकि सरकारी वकील इस मामले में सफाई नहीं पेश कर पाए, इसीलिए ये अदालत तुम्हें जमानत देने का फैसला सुनाती है। इन सबसे अगर हम डर जाएंगे तो आम इंसान बन जाएंगे यार। चल देख लेंगे। अरे ये क्या उसी का फोन है यार। हाँ? हेलो, क्या ये सब? लड़की भी पसंद कर ली, शादी भी कर रहे हो, उसके माँ बाप रेडी है क्या? क्या चल रहा है वहाँ पर? क्या कर रहे हो तुम वहाँ? दीदी दीदी दीदी, अरे ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, सच कह रहा हूँ कि मेरी इजाजत के बिना वहाँ कौन आ रहा है? प्लीज दीदी। अरे ये तो 4G 5G से भी तेज निकले। कुल मिलाकर एक तरफ रामायण और एक तरफ महाभारत को संभालना होगा। अभी तो शुरुआत है। मामा, ऑर्डर के हिसाब से पहले मेरे घर गाड़ी लेकर चलो, वहाँ से शुरू करते हैं। कोडियारसू जिंदाबाद, कोडियारसू जिंदाबाद, हमारा मसीहा कोडियारसू जिंदाबाद, भाई कोडियारसू जिंदाबाद, सबका साथी कोडियारसू जिंदाबाद, हमारा अन्नदाता कोडियारसू जिंदाबाद, हमारा मसीहा कोडियारसू। रुक जाओ रुक जाओ। आरती, अरे वो क्या कोई सत्याग्रह करके यहाँ पे आया है? चल अंदर जा। ए, तुम लोगों को शर्म नहीं है क्या? चलो जाओ यहाँ से। क्या जी, हमारी बिरादरी के लिए लड़ने वाले को ऐसे बोल रहे? अरे भाई, तो किसके सामने बोल रहे पता है? वो मेरे मामा हैं, उनको हक है मुझे डांटने का। ए, जाओ तुम लोग। मैं इसे भी कह रहा हूँ यहाँ से निकल जा। चल जा। अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, इसे बोल दे यहाँ से चला जाए। ए, 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 नंबर लगा। नमस्कार जी, सब ठीक है ना? हेलो, कौन? दीदी बोलो दीदी। चार पांच लोग मिलकर तेरे जीजा जी को मार रहे हैं। क्या कहा, मार रहे हैं? हाँ। ठीक है, अभी आ रहा हूँ। कौन सी दीदी है मामा? पता नहीं यार। हाँ? कौन है पूछा तो चिल्लाने लग गई। कौन सी दीदी है, पूछूंगा तो जान से मारेगी। अगर तेरी माँ होती तो तुझे फोन करती ना। कौन हो सकती है, दूसरी दीदी या तीसरी दीदी? दोनों में से एक पकड़ो क्या? दूसरी ही होगी। करेक्ट मामा, गाँव में सबसे मार खाने वाला वही मौसा है, सब उसी को पीटते हैं। अरे कौन मार रहा है मेरे मौसा को देखते? अरे मारो मारो। ठीक है ठीक है, क्या मौसा हमेशा मारे खाते रहता है। लड़ो मत, ओ भाई। अरे क्या कर रहे हो? अरे 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 क्या कर रहे हो? नहीं मार रहा है। तुमने तो फोन करके बोला था कि जीजा जी को कुछ लोग मार रहे हैं। अगर झगड़ा होता तो तुझे फोन करके क्यों बुलाती? मैं काफी नहीं हूँ? फिर वहाँ क्या चल रहा है? कुछ रिश्तेदारों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हो रहा है, तो तेरी जीजा जी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर कौन सी दीदी है? क्यों आपस में झगड़ रहे हो? हेलो, देखो मामा, मार खाने वाला मेरा बाप है क्या? अभी आता हूँ दीदी। मैं भी चलता हूँ। खाना तो खाकर जा। अरे उधर मेरा बाप मार खा रहा है, तुझे खाने की पड़ी है, मोटी कहीं की आके तुझे बताता हूँ। अरे जल्दी चलो मामा, जल्दी चलो। क्या कर रहे हो? गाड़ी जल्दी घुमाओ, बैठने दो। चलो चलो चलो। अब हाथ लगा के दिखाई नहीं, सोच रहा है पूछने वाला कोई नहीं है। छोड़ नहीं मामा, तुम लोगों का बाप आ गया है। ये ले। छोड़ना नहीं। कोई भी मेरे जीजा जी पर हाथ उठाएगा ना तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ, क्या हुआ था? कोड़ियारसू जमानत पर बाहर आ गया ना, तो ये लोग मेरा बैनर हटाकर उसका बैनर लगा रहे थे। तुमने नए नंबर से फोन क्यों किया था? अरे मेरे फोन में बैलेंस नहीं था, इनमें से किसी का फोन छीनकर फोन किया था। चल अंदर आजा। एक अच्छी खबर सुनाने आया था, इतने में ये सब हो गया यार।
शादी के बारे में क्या? वही तो, अब तक उस बुद्धिमान ने बता दिया क्या? मुझे लगा था कि ऐसा किसी ने नहीं बताया। हमारे लिए अगर खुशखबरी है तो तेरी शादी ही हो सकती है। अच्छा, वैसे लड़की का नाम क्या है? कनका। क्या क्या कहा था? हाँ, कन्न मीठा है कान कड़वा है। कौन है वो? प्यार करता हूँ, उनका भी बहुत बड़ा परिवार है। बहुत अमीर है। प्यार करता है तो अच्छी बात है, पर मैं सोच रही थी कि किसी पहचान वाली लड़की से शादी करता तो अच्छा रहता ना। ए, मैंने तुझसे ये सब कहा ऐसा किसी से भी कहना मत। मैं नहीं बोलूंगा, तुम्हारी शादी में सबसे आगे मैं खड़ा मिलूंगा। धन्यवाद जीजा जी। हाँ ठीक है ठीक है। इसलिए बोला था ना मामा पहले मेरे घर आने के लिए, देखा ना कैसे पॉजिटिव वेव्स आ रहे हैं। अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है। बोलिए ना जीजा जी। मेरी सिर्फ तीन ही कंडीशन है। लो मेरा बाप शुरू हो गया। पहला, नेम्स श्रीमान ताम्र मलालन सेंडियार बीए, पत्रिका में पहला नाम मेरा आना चाहिए और अक्षर बड़े और शानदार डबल कलर में। नेम्स में मुझे कोई बेइज्जती नहीं चाहिए। ठीक है जीजा जी। दूसरा, अभी नहीं बताऊंगा वरना तुम लोग टेंशन में आ जाओगे। तीसरा, रेशम की धोती और साथ में कुर्ता और 5 तोला सोना। किसको बेच के? तू अपना मुंह बंद रख। गुणा सिंघम की शादी में टीएमएस आकर खड़ा रहेगा तो कैसा लगेगा सोचो? बहुत बढ़िया रहेगा। अब दूसरे पे आता हूँ, मेरा सगा भाई। मेरे भाई को शादी में मत बुलाना, वो नहीं आना चाहिए। अगर वो आएगा तो ये नहीं आएंगे। हाँ, ये शादी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप दोनों भाई मन से गिले शिकवे मिटा सको। पापा की यही इच्छा है। क्या कहा? गिले शिकवे मिटा दे? ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता। ये चुप कर जाए यहाँ से। मैंने उसको अपने कंधे पर उठाकर पाला था। जायदाद की लालच में बड़े लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करके कोर्ट लेकर चला गया। कहाँ? कोर्ट में। अंडरलाइन, उसकी ऐसी नियत की वजह से ही भगवान ने उसे बच्चे का सुख भी नहीं दिया। जीजा जी। ए जी, कब तक ऐसे ही रहेंगे? हजारों की भीड़ की बजाय अगर अपना भाई साथ हो तो खुशी अलग होती है। जब तक मैं जिंदा हूं ना, ये मुमकिन नहीं है। शायद रिश्तेदारी की जरूरत ना पड़े, लेकिन जब मौत होती है तो इंसान की आखिरी इच्छा यही होती है ना कि अर्थी को कांधा देने वाला अपना हो। और जायदाद तो हम मर जाएंगे तो उसके बाद थोड़ी ना लेकर जाने वाले हैं। आपका जूठा दूध पीकर वो पले बड़े हैं। आप बुलाओगे तो वो आ जाएंगे। मैं उन्हें लेकर आता हूँ जीजा जी। ए, मैं तो अपने बेटे की शादी में भी उसे नहीं बुलाऊंगा। मैं तो आपको ही नहीं बुलाऊंगा। तो फिर मैं तेरी शादी ही नहीं करवाऊंगा। अरे तुम क्यों ऐसे खामोश बैठी हुई हो? पति सिर्फ बोलता जा रहा है और तुम पहाड़ की तरह निकल कर बैठी हुई हो। चलो जाने दो, तुम लोग ऐसे ही रहोगे। मामा देवी आ गई। तुम लोग मुझे ऐसे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? सुनो तो सही। भाई, अब तक आप एमएलए बनकर संसद में बैठ चुके होते, लेकिन उस गुणा सिंघम ने आपको चौराहे पे बिठा दिया। उसे छोड़ना मत। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भाई। आप नहीं आए तो मैंने शादी कैंसिल कर दी। मेरी शादी आपकी मौजूदगी में होगी। अगले महीने 4 तारीख को शादी है, आप जरूर आइएगा। कार्ड फिर से प्रिंट होने को दिए हैं। तुम लोग जाके खाना खा लो। आप लोग जाइए। तेरी वफादारी से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अगले 6 महीने तक मैं कुछ कर नहीं सकता। जमानत मिल गई, आगे प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। जमानत तो उसकी मिली है जो मैंने किया ही नहीं है, लेकिन अब मैं किसी का खून करके जेल जाने वाला हूँ भाई। तो फिक्र मत कर, तू शुभ मुहूर्त में शादी कर ले। जब तक आप बाहर नहीं आएंगे ना, मैं शादी नहीं करने वाला। जिस दिन आप आएंगे उसी दिन मैं शादी करूंगा भाई। गुणा सिंघम को टुकड़े टुकड़े करके उसकी बहन के बारे में पता लगा? आ जाओ मेरे लाल, मेरे काले, तुम दोनों आने वाले थे ना, इसीलिए देखो मैंने मुर्गी बनाई है। आपका ये प्यार दीदी, आपके इस प्यार ने मुझे बांध कर रखा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लाओ दो। क्या मेरा मुंह नहीं है क्या खाने के लिए? अच्छा सुन। हाँ मामा। जो बोल रहा हूँ गलत मत समझना। बोलो मामा। तेरी माँ के दिल में इतना प्यार नहीं है। वैभव लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी है। गलत नहीं है, गलत नहीं है। सुनिए, खाना तैयार है, आ जाइए। आ रहा हूँ। आ गए। मैं खुशखबरी बताऊँ? इससे पहले मैं थोड़ा खाना खा लेता हूँ। क्या है बोलना? आप मुझे चिकन खिलाने वाली हो और मैं आपको शादी का खाना खिलाऊंगा। पहले बोल कर तो देखो। तू शादी कर, बच्चे कर और बच्चों को मुझे दे दे, मैं अपने हाथों से पालूंगी। बहुत ज्यादा पैदा करके दे दूं? आधे, मैं तेरे बच्चों का सुसु छिछी सब साफ करूंगी। क्या खाने के टाइम पे लैट्रिन पेशाब की बात? अच्छा लड़की कौन है? कनका। फिर चंदा?
हमने तो सोचा था कि तू चंदा से शादी करेगा, किसी से दिल लगा लिया। गलत नहीं है, गलत नहीं है, आशीर्वाद दे दो। अच्छा तुम हो? जीजा जी कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ। सुनने में आया है कि तुम शादी करने वाले हो। कहाँ कर रहे हो? उसी बेवकूफ की बेटी से कर रहे हो? जानता था मैं तू ऐसी हरकत करेगा। उसने मुझे शादी में आने से मना किया होगा ना? खाना खा ले। सीना ठोक के बोला होगा कि उसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। एक नंबर का फालतू आदमी है, हमेशा मेरे खिलाफ बोलता रहता है। वो शादी करवाने के लिए 5 तोला सोना भी मांगा होगा। वैसे इतना सोना देना नहीं चाहिए, 3 तोला काफी है। मेरी बात सुनो, वो आदमी शादी में नहीं आना चाहिए, बस। मैं कुछ और नहीं चाहता। मुझे अगर बुलाना हो तो इन्हीं दोनों को ना बुलाऊं? क्या बात है, हिचकी आ रही है। हाँ। दोनों भाई जायदाद के लिए झगड़ा करने, ये अच्छी बात नहीं है ना जीजा जी। आप दोनों को एक साथ एक हो जाना चाहिए। अरे रे रे रे। नहीं मिलना मिलना है। जीजा जी दिल में इतनी कड़वाहट क्यों भर के रखी है? कड़वाहट नहीं, गुस्सा है। तो मुझ में गुस्सा नहीं है क्या? अरे तो उनकी बातों पर ध्यान मत दे। दीदी अपने पति को ऐसे खाना बनाकर खिलाती रहे, शादी करवा दो ये कहने के लिए घर पर आया तो ये बहुत ज्यादा नखरे कर रहे हैं। चुपचाप शादी में आने के लिए बोल दो। हाँ, ज्यादा बोलने वाला नहीं। आप लोगों ने मामा की बेइज्जती कर दी ना, मैं भी नहीं खाना खाऊंगा। मटन ठीक से नहीं पका है, बहुत गुस्से में हूं मैं। अरे मामा ये लोग ऐसे हैं तो जिन माओं ने लड़कियों को जन्म दिया वो क्या करेंगी? मामा पड़ोस का घर है। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुझे क्या करना है? तुम लोग तो खुश हो ना? भाई साहब कहाँ पर है? गए होंगे कहीं रोजी रोटी की तलाश में। ए, ऐसे दरवाजे के पीछे बैठकर आंसू बहाएगी तो चप्पल से मारूंगी। अच्छा मुझे आपसे एक बात कहनी है। हाँ सुना मैंने, खुश रहो। वो भी बहुत अच्छी लड़की है, आप देखोगी तो आपको भी पसंद आएगी। आप सब आओगे तभी तो शादी होगी ना। मैं कैसे आ सकती हूँ? ए सुन, अगर तुझे जहर वगैरह पीना हो ना तो दरवाजा खोलकर पीना पड़ना, मर के सड़ जाएगी। क्या ये? चुपचाप बैठी है बेचारी, क्यों भड़का रही हो उसे? इस सबकी वजह तू ही है। अब मुझे गुस्सा दिलाकर और बोलने पर मजबूर मत कर। अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो सब लोग मुझे ही बुरा कहेंगे। हे भगवान, रुक जाओ। चंदा दरवाजा खोलो। चंदा, चंदा जब से पैदा हुई है जितना अपने बाप का नाम नहीं लिया होगा उससे ज्यादा तेरा नाम लिया है उसने। हे भगवान, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हें खुद बताना चाहिए कि अच्छा बुरा क्या है। अच्छा मुझे तुमसे बात करनी है, दरवाजा खोलो ना। मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता, तुम्हें एक बात बताऊंगा तो तुम खुद समझ जाओगी। खोलो दरवाजा। ठीक है, मेरा चेहरा देखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम फीस भर दी है, रसीद ले लो। ये तुम्हें एग्जाम फीस भरने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। सर्टिफिकेट लेकर उसे मार दूंगी मैं। जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से। अभी तू शुरू करेगी हाँ? सही है, यही होना था। गांव में हर कोई मर रहा है, पता नहीं मुझे मौत क्यों नहीं आ रही है। मैं क्यों इस घर में बहू बनकर आई? मेरी किस्मत ही फूटी है। भगवान, अरे नहीं उठाऊंगा, तू कर। ये कौन सा नंबर है? हेलो हेलो, कौन है? हेलो, हाँ जीजा जी मैं साला बात कर रहा हूँ। हमारे राज्य में जिनकी शुभ मुहूर्त में शादी होती है वो साले ही कहलाते हैं। तुम कौन से वाले हो? जीजा जी गुणा सिंघम बोल रहा हूँ। अच्छा, 3 बीवी वाले रण सिंघम का बेटा गुणा सिंघम बोल रहा है। अच्छा आप कहाँ हो अभी? क्या बात है बोल ना। शादी के बारे में मुझे तुझे जब करना है उस दिन कर लेना। उस दिन मैं पक्का बिजी रहूंगा और मैं शादी अटेंड नहीं करने वाला। अब तक तारीख पक्की नहीं हुई है, उस दिन आप कैसे बिजी हो सकते हो? तू जिस दिन भी शादी करेगा उस दिन मैं अपने आप को बिजी कर लूंगा। ठीक है, अभी आप कहाँ पर हो? तेरे घर में शादी करके जो मैंने पाप किए है ना उसको धोने के लिए काशी जा रहा हूँ। अच्छा 5 मिनट रुक जाओ, मैं बस अभी आ रहा हूँ वहाँ पे। हाँ ठीक है ठीक है, आ जा। हेलो जीजा जी, बस स्टैंड पे आ गया हूँ। कहाँ पे हो आप? अपनी मर्जी से अपने टाइम पर आएगा तो कैसे चलेगा? जीजा जी बस निकल गई क्या? बस नहीं निकली और नहीं मैं काशी गया। क्यों नहीं गए? मेरा पूरा परिवार बिखरा पड़ा है, मैं काशी जाके क्या करूँगा? अच्छा अभी कहाँ हो जीजा जी? ईबी ऑफिस में कनेक्शन पूछा, दिए बिना ये लोग घसीटे जा रहे हैं। कनेक्शन दे रहे हैं या मैं जहर खा के मर जाऊँ ये कहने के लिए मैं यहाँ आया। गवर्नमेंट ऑफिसर किसानों को बेवकूफ समझते हैं। आप रुकिए मैं अभी आता हूँ। कहाँ? ईबी ऑफिस में ना। हाँ आ जा आ जा। जिसकी सरकार बनती है वो बस गड्ढा खोदने के लिए लग जाते हैं। अब नहीं उठाऊंगा। फोन कर रहा हूँ वो उठा नहीं रहे हैं यार। गाड़ी भी कहीं नहीं दिख रही है उनकी। देखो उन्हीं का फोन है क्या? उठा उठा। मेरी जान है। हेलो, क्या हुआ? गांव से बहू आई है, सवाल पर सवाल किए जा रही हैं।
एक के बाद एक मुसीबत मुझ पर बरसती जा रही है। जब मैंने फोन किया तो उठाया नहीं और अब फोन कर रहे हैं। मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाना इतना आसान है क्या? मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊं? तुम्हें मेरे साथ लाना है, इसलिए तो मैं इतनी मुसीबत झेल रहा हूं। अरे मामा, उन्हीं का फोन आ रहा है। मत उठा, मत उठा। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है ना? हाँ जानू। आई लव यू। अरे फोन तो उठा। आई मिस यू मामा। अरे फोन तो उठा। हेलो। हाँ बोलो जीजा। क्या रे? अपनी शादी के चक्कर में तू मेरे घर से मैयत निकालेगा? ये आप क्या बात कर रहे हो? मेरी बीवी ने जहर पी लिया है, बड़े हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। क्या हुआ मामा? उसने जहर पी लिया है यार। अरे बाप रे। ट्रीटमेंट नहीं करवाना है मुझे, बस जवाब चाहिए वरना मर जाऊंगी। इसको देखकर लगता नहीं है किसने जहर पिया। क्या दीदी, जहर क्यों पी लिया? अरे आप ट्रीटमेंट कीजिए ना। मैं क्यों जहर पीऊंगी? जिसको तुमने शादी करने का सपना दिखाया था वो जहर पीकर अंदर पड़ी है। तू पागल है क्या? क्यों किया तूने ऐसा? पढ़े लिखे लोग सुसाइड करने पर तुले हुए हैं, यही सिखाया जाता है क्या तुम लोगों को? एक झापड़ दूंगा। सर इसका ट्रीटमेंट करो। वो जो बैठी है वो ट्रीटमेंट नहीं करने दे रही, फर्स्ट एड दे दिया मैंने। एक काम कर, तू इससे शादी करेगा ऐसा वचन दे मुझे, क्योंकि अब मैं इसे संभाल नहीं सकती, वरना यहीं पर मरने दे इस लड़की को। अरे पागल हो गई हो, उम्र में बड़ी हो या देखूंगा भी नहीं, शादी की बात करने का समय है क्या ये? एक काम कर, इससे शादी कर ले वरना इसकी लाश को ले जाकर दफना दे कहीं। ये सब क्या है? ये दिन देखने के लिए हम लोग साथ पले बढ़े? मेरी चांदनी इतनी कमजोर है, ये फैसला मैंने क्यों लिया तुम्हें समझ में नहीं आया ना? ठीक है, उस लड़की से बात करके मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। कौन सा रूम है? कौन सा रूम? अरे रे रे, मैंने सोचा कि तूने जहर पिया, लेकिन तूने तो मेरी इकलौती वारिस को जहर पिला दिया। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, कोई यहाँ नहीं रहेगा। अखबार वालों को बुलाओ, पुलिस वालों को बुलाओ। मैं कहता हूँ ये ट्रीटमेंट रोक दो। ये मैं कह रहा हूँ नहीं चलेगा, ऐसा होने की जरूरत नहीं है। मैं वचन देता हूँ, तू अभी अभी के अभी उसे वचन दे, ये बच जाएगी। हेलो हेलो। अरे रे रे रे, नाना जी को हार्ट अटैक आया है, बहुत सीरियस है वो। क्या बात कर रहा है? चल 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 जल्दी जल्दी। अरे बाबा, ट्रीटमेंट ले लेना, जो भी है बाद में देखेंगे। अरे डॉक्टर इनको समझ जगह देके जा रहा है। अरे मामा मामा मामा, रुको रुको, उनको कुछ नहीं हुआ है। अरे वो ठीक है, मैंने झूठ बोला था। क्या मामा, पति ने फोन करके बोला कि उसकी बीवी ने जहर खा लिया है, आकर देखते तो उसकी बेटी लेटी हुई है। अरे उसकी माँ ने जानबूझकर उसे जहर पिलाई होगी ताकि वो तुमसे वचन ले सके। उसका क्या होगा, तुम जिससे प्यार करते हो? दीदी नाटक कर सकती है लेकिन चांदनी ये सब नहीं कर सकती। उसकी नजरों में सवाल है कि क्या मैं उसे मारना चाहता हूँ। मैंने गलत कर दिया ना, पता नहीं क्यों मैंने उस दिन बस में उसको देखा। ये सारी मुसीबत मेरी वजह से है। मामा ऐसी बातें क्यों करते हो? कौन है बिलाइन? कोई नहीं है मामा। कौन है जो चुपके से सुन रहा है? कनका है मामा जी, चुपके से नहीं सुन रही है। मामा इस शादी के लिए कितनी तकलीफ उठा रही है ये बात मैंने उसे बता दी थी। उस लड़की ने कहा था कि मुझे सब कुछ लाइव दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है वहाँ पे। उसने कहाँ से सुनना शुरू किया? वो वहीं दीदी के घर से ही। साथ में रहकर मेरे साथ खेल खेल रहा है? ऐसा नहीं है मामा। वो चल जा, मुझे अपनी शक्ल मत दिखा, चल जा यहाँ से। मामा मेरी बात सुनो मामा। मुझे तलाक दे दीजिए। ये कैसी बातें कर रही है तू? मुझे तलाक दे दीजिए। 60 साल के हो गए, अब आपको तलाक की क्या जरूरत है? लोग आप पे हंसेंगे नहीं क्या? क्यों, 50 साल की उम्र में बेटे के लिए घूम रहे थे तब लोग नहीं हंसे थे? ये तो कैसी बातें कर रही है, तेरी जबान कट के गिर जाए। बस कीजिए माँ, इस घर में बहुत जी लिया मैंने, बस हो गया। अब मैं चैन से जीना चाहती हूँ। परेशानी को और मत बढ़ाइए, मुझे तलाक दे दीजिए। क्यों ऐसी बात कर रही हो माँ, तुम क्यों मुझे तकलीफ दे रही हो? तुम लोग ही मेरे वारिस को चोट पहुंचा रहे हो।
तुम्हारे पापा दूसरे के घर में जाने वाले थे, इसलिए तुम्हारी माँ ने मुझसे मेरी पसंद नापसंद जाने बिना ही इनसे शादी करवा दी। अपनी इच्छाओं का गला घोटकर इनके साथ चली आई। आज तक अपनी पूरी जिंदगी मैंने बस इन्हीं के हिसाब से जी है, और उस भगवान ने मुझे बेटा देने के बजाय एक बेटी दी, वो भी बेजुबान मासूम है। जब उसकी शादी हो रही थी तब मैंने सबसे कहा था कि जहाँ उसकी शादी हो रही है उस परिवार के लोग अच्छे नहीं हैं। मैं बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन अच्छा परिवार है, अच्छा घर है कहकर उसकी शादी करवा दी गई। और शादी के 2 साल बाद ही उस शराबी ने उसका मंगलसूत्र छीन लिया, उससे कहा कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी, और तुम सब लोगों ने भी उसे वैसे ही छोड़ दिया। 65-70 साल के आदमी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, और उस 25 साल की लड़की के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। काम वाली को पैसे ना देने पड़े, इसलिए मेरी नातिन को इस घर की नौकरानी बना कर रख दिया। यही ना, बस बहुत हो गया। आज के बाद मैं अपनी बेटी और नातिन को खुद ही संभाल लूंगी। मेरी बात सुन। माँ रुक जाओ, माँ कहाँ जा रही हो बताओ ना। माँ छोड़, जो भी बातें हम कर लेंगे ना। जाने दो उसे। मेरी बात तो सुन। माँ माँ रुक जाओ, माँ कहाँ ना जाने दे। तू अभी उसी के बारे में सोच रही है। हेलो, आपसे मुझे बात करनी है। मैं कल आऊं क्या? आज ही मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आता हूं। आइए। नमस्ते बेटी। ये क्या, घर आए मेहमान का स्वागत करना चाहिए, गुस्से में नहीं जाना चाहिए। आओ बेटा, कॉफी लेकर आओ। ठीक है। देखो बेटा, ये मेरी बहन है। नमस्ते। आपके पिता से शादी होने वाली थी। आपके खानदान में लड़की नहीं देना इसलिए झगड़ा कर रही है। वो सब तो छोड़ो, मेरे खानदान में शादी चित्रा और पूर्णिमा मुहूर्त में होती है, तो ये शादी भी उसी मुहूर्त में हो तो अच्छा है। ये क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे वजह है। मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ के लड़के लोगों का भी इरादा कुछ ठीक नहीं है, बस 1-2 महीने की ही तो बात है। अगर जहर पीने की वजह से कुछ हो जाता तो क्या करते हम लोग? हाँ, तो फिर हम सब लोग यहाँ पर क्यों हैं? उसे किसी और से शादी करने के लिए छोड़ देंगे क्या? हाँ सही का, समझाइए इसे। तू घबरा मत, वही तेरे गले में मंगलसूत्र डालेगा और इसे कोई नहीं बदल सकता। आप लोग थोड़ी देर चुप रहेंगे? क्या क्या समझते हैं आप लोग अपने आप को? वही तेरा पति है, पति है कह कर कर बड़ा किया, और अब जले पर नमक छिड़कने आई हो? मुझे शादी नहीं करनी, किससे शादी नहीं करनी, मुझे करनी ही नहीं करनी। अरे सुन रहा है, तू वहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ के बैठ, ये तो रोज का नाटक है। जाओ सब लोग, अगर आज के बाद मैंने किसी के भी मुंह से उसकी बात सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानिक राव की बेटी आखिर भला जहर कैसे पी सकती है? आपको हार्ट अटैक आया ये झूठ बोलकर वहाँ जाकर चित्रा पूर्णिमा में शादी की तारीख पक्की करके आइए, ये बेइज्जती है। मैं क्यों जिंदा रहूं? क्यों जिंदा रहूं मैं? चलो आप लोग निकलो, हम तीनों के मरने के लिए कुआं नहीं मिलेगा क्या? कुएं में पानी खत्म हो गया है। पानी नहीं तो क्या हुआ, नागफनी के बीच तो मिलेंगे ना अंदर। ए बता टाइम क्या हुआ है? 10 बज रहे हैं। 10 बजे भी पकड़ा गया तो फिर 12, 2 घंटे के अंदर यहाँ भीड़ जमा हो जाएगी। सर्कस दिखानी है क्या? हाँ सर्कस ही दिखाएंगे, अभी देखते जा। चुप, जीजा जी, जीजा जी। अरे इसकी बेटी हॉस्पिटल में थी ना, तब खरीद लिया होगा। शहर में दुकान ढूंढना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, पर पता नहीं इसे कैसे मिल जाता है, समझ में नहीं आता। ये तो आपकी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं पूरे राज्य का प्रॉब्लम है। जीजा जी बाहर आइए ना, जो भी बात है समझौता कर लेते हैं। जीजा जी पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है ना, इतने साले साली होने के बाद भी तुम लोगों ने आखिर कर क्या लिया है? तुम लोगों ने शादी के लिए हाँ कह दी क्या? ये मुझे पता नहीं है क्या। मिक्सर, मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है, ये बुद्धिमान का पति हमेशा बिजी रहता है, पता नहीं क्या दिखाना चाहता है हमें। वी आर लिमिटेड एडिशन, अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से मिलेगा? इंग्लिश। भाई देख देख, मैं मरने वाला हूँ, बहुत सालों से मेरे दिल में जो बातें हैं वो बोलकर मर जाऊँ क्या? यस ब्रो, मेहरबानी करके सफारी सूट को उतार दे, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी मैयत में धोती कुर्ते में आएगा कि नहीं आएगा, बोल। जीजा जी, हाँ क्या हुआ? बार बार एक ही बात कर रहे हैं, आप अंदर जाइए ना। बुद्धिमान का तो मैं थोबड़ा तोड़ के रहूंगा। मुझे लगता है ये फिर से मुसीबत खड़ी करने वाला है। आप जरा चुप रहिए, और भड़का रहे हैं आप तो। क्या है? सुनिए ये क्या है? अरे ये कहाँ ले जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इस कैरोसिन का क्या करेंगे? इंजन में डालेंगे? अरे ये क्या करेंगे? सबको बहुत जल्दी है ना, तो मैं यहीं पर मर जाता हूँ। अरे ए, अरे तेरी जेब में जितने पैसे हैं वो सवारी वाले को दे दे, मेरा अंतिम संस्कार। अरे छोड़ ना, मुझे मारने दे। अरे छोड़, ये राशन, अरे मैं मरने जा रहा हूँ, क्या करूँ, कौन सी सकता है? अरे
अरे हम लोग को हम भी मर जाएंगे दो साथ में। अरे बाप रे जाओ यहाँ से पहले भागो। शिवगामी है जो हमारे घर पर आकर हम पर राज करने वाली है। अरे रुके 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 रुके, आपके परिवार में इससे शादी करो उससे शादी करो दो हिस्से में बट गया है ना। देखिए यही आप लोग की प्रॉब्लम है, परिवार में राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में परिवार हो सकता है। वो चाहे किसी भी लड़की से शादी कर ले पर वो सोडा वाली इस घर में नहीं आएगी। हमारा भाई है, हमारे घर में ही शादी करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। ये तो फूट गया। 40 साहिबा इतना ही बचा है क्या? भुखड़ कहीं का, कैसे ठूस रहा है तू? तो उस गुड़ा सिंघम से प्यार करती है क्या? लड़कों ने बताया, मैंने विश्वास नहीं किया। हाँ मामा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। सुन मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। हाँ मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। तो उससे प्यार मत कर, ये तेरे लिए भी सही नहीं होगा और उसके लिए भी। मेरी जिंदगी का फैसला मैं ही करूँगी। पहले उसके घमंड को मारना होगा, उसके बाद उसकी जायदाद को, फिर उसको मारूंगा। आवाज मत कर। सॉरी उस दिन मैंने सिचुएशन समझे बिना ही तुम पर गुस्सा कर दिया। नाराज हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अकेलापन महसूस हो रहा है। आवाज से लग रहा है कि तुम्हारा मूड खराब है। अरे बाप रे, मेरी आवाज सुनकर पता कर लोगी कि मैं किस मूड में हूँ? तुम्हारी आंखों को देखकर समझ सकती हूँ कि तुम किस मूड में हो। मुझे अभी तुमसे मिलना है। ऐसा है क्या? अच्छा अपनी आंखें बंद करो, अपने रूम में सारा काम खत्म करके तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो। फ्रेश होकर तुम्हारे मनपसंद पिंक नाइटी पहनकर तुम्हारे करीब सोकर तुम्हें कस के पकड़कर तुम्हारे माथे को चूम लिया, फिर तुम्हारी आँखों को और फिर तुम्हारे होठों को कस के चूम लिया। मेरी शोना, तुम्हें जल्दी घर पर लाकर साड़ी पहनाकर सिंदूर लगाकर तुम्हें बीवी के रूप में देखना चाहता हूं। मालिक, हमारे केले के सारे पेड़ों को नष्ट कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। हे भगवान, बदमाशों ने ये क्या कर दिया? किस बदमाश ने ये सब कर दिया? सब बर्बाद कर दिया। भगवान, हम तो लुट गए। क्या हो गया? मालिक, हमारे दोनों बैलों को किसी ने मार डाला। बहुत बुरा हुआ मालिक, हमारे खेत उजाड़ दिए, हमारी बैल को मार दिया। अच्छा नहीं हुआ ये, जिंदगी में कभी कुछ नहीं। मुझे वहाँ पर देखने दो। अरे रुक जाओ बेटे, रुक जा, रुक जा बेटा, बेटा मेरी बात सुन, रुक जा। क्या हो गया पापा? नहीं बेटा, पापा, अरे सर, मैं तुम्हें नहीं छोडूंगा। उन्होंने उनको देख लेंगे बेटे। छोड़ो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। Thank you.
मालिक बैलों को खेतों में दफना दिया है। देखिए मालिक, पहले ये कितने खूबसूरत लगते थे, अब चारों तरफ सन्नाटा हो गया है। भाई साहब, 5,000 केले के पेड़, 2 प्यारे प्यारे बैल, इतना सब कुछ खत्म हो जाने के बाद चाहे जितना बड़ा आदमी हो, दुख तो होता ही है। क्या सर, घर में इतना बड़ा मातम छाया है, परिवार वाले आए नहीं, किसी ने अलग कर दिया क्या? गुड़ा सिंघम, मातम है क्या? नदी के किनारे पेड़ कटवाने में तेरा हाथ था ना, और हो सकता है उसी गुस्से में मेरे लड़के ने तुम्हारे केले के पेड़ और बैलों को। बर्बाद करने की कोशिश की हमको, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? पीछे छोड़ मुझे, छोड़ बेटे, शांत हो, तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। बेटे को अंदर लेकर जाओ। मैं छोड़ूंगा नहीं। ए, केले का झाड़ क्या चीज है रे? भाई ने बोला होता आदमियों को काट डालता। अरे अब यहाँ आ गए हो तो मुंह लटका के क्यों बैठे हो? हमारे अरसू जैसा लड़का मिलेगा क्या? मेला खत्म होने दो, देखो फिर इसका झंडा कैसे लहराएगा। मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक मांग सकते हैं। उसने सिर्फ अच्छा इंसान होने का ढोंग किया था, उसको अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। आपकी बेटी की शादी उससे नहीं हुई इसलिए दुखी मत होइए। मैं कर लूंगा उससे शादी, अगर आपको एतराज ना हो तो। जरा इन्हें समझाओ। क्या सोच रहे हैं साड़ू भाई, ये खुद हाथ मांग रहे हैं। जब ये खुद आए हैं तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो गुणा सिंघम बहुत अहंकारी है। आपकी मर्जी, जैसा चाहो वैसा ही होगा। अरे हाँ कह दिया इन्होंने। दीदी, माँ चलो घर चलते हैं। माँ आपके बिना घर सुना सुना लग रहा है। मैं भी इतने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ कि आप आओगी। माँ चलो ना। माँ घर में इतना कुछ हुआ फिर भी आकर देखने का मन नहीं किया आपको। माँ चलो ना। माँ दीदी, दीदी, ए सुन, तू भी इनके साथ मिल गई है क्या? ए, मुझसे बात नहीं करेगी? मुझसे बात नहीं करना चाहती है? दीदी ये माँ क्या बोल रही है? हमने कभी इसे नौकराने की तरह रखा था? दीदी, दीदी, दीदी मुझसे बात करो। दीदी मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, हमेशा मेरे सपोर्ट में बात करती थी ना, तो अब क्या हो गया आपको? दीदी मुझसे जाने को कहो, मैं चला जाऊंगा, लेकिन ऐसे खामोश मत रहो। दीदी मेरे चेहरे से भी नफरत हो गई है क्या आपको? ठीक है, जब भाई कहकर आओगी ना तब देख लूंगा। मामा, अगर मैं सिर्फ आपका भांजा होता तो यहाँ कभी नहीं आता। आपका दोस्त हूँ बचपन से, इसलिए आया हूँ मामा। ये सब क्या हो रहा है मामा? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मामा। पुरुषोत्तम कितना बदल गया है, आपकी शादी को रोकने के लिए वो क्या क्या नहीं कर रहा है। अपनी चांदनी की शादी उस कोडिया रसू से करवाने की बात चल रही है उसकी। चांदनी की शादी पक्की करवाई है क्या? वो भी है खूनी के साथ? वही मेरा दामाद है, अब क्या करना है? कौन? वो खूनी मेरी चांदनी के साथ शादी करेगा क्या? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं तुम सबको मार के अंदर जाऊंगा। मेरी बेटी की शादी मैं किसी से भी कर रहा हूँ, इससे तुझे क्या? अरे आप पागल हो गए हो क्या? तुझसे शादी करने के लिए लड़की मिल सकती है, तो मेरी बेटी से शादी करने के लिए लड़का नहीं मिलेगा। तू जा ना। ये सब हो क्या रहा है? मेरी बेटी की शादी रोकने वाला तू होता कौन है? चांदनी हमारी घर की लक्ष्मी है, मेरे गुस्से की वजह से उसकी जिंदगी खराब मत करो। तुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। तू जाके उस सोडा वाली से शादी कर ले। चांदनी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, रुको। ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है? वो एक शराबी है,
एक खूनी के साथ तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं खामोश रहूंगा क्या? अरे तुम चलो पहले मेरे साथ, चलो घर पे चलते हैं। जाए, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें तो सिर्फ अपनी जिंदगी की पड़ी है ना, चले जाओ यहाँ से। ये सब देखकर मैं नहीं जा सकता। ए, तू चलो मेरे साथ। ए, 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 छोड़ो से। अरे छोड़ो मुझे। तुझसे बात कर रहा हूँ, चल निकल। ये सब छोड़ कर मैं नहीं जा सकता। हाँ, तू जा, मुसीबत खड़ी है। ऐसा चलता है क्या? छोड़ो। ए, क्या बकवास कर रहा है? निकल जा, जा से। एक खूने के साथ उसकी शादी करवाना चाहते हैं। अरे उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार। चलो यहाँ से। अब चलो चलो। क्या कर रहे हैं यहाँ से? चलो बेकार लोग। पागल हो गए क्या? देखो ना। किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ देते हैं। मैं खून कर सकता हूँ लेकिन शराब नहीं पीऊंगा। तो फिर मामा आज तुमने इतनी क्यों पी ली मामा? हाँ बोला तो था, मेरी दीदी का पति शराब पीकर मर गया था, इसलिए मैंने ना पीने की कसम खाई थी। लेकिन बहुत बेइज्जती कर दी मेरी। लगा था शराब पीने से दर्द कम होगा, लेकिन वो तो दर्द और भी बढ़ता जा रहा है। भाई मेरा घर खुशियों से चहक रहा था, लेकिन आज शमशान की तरह लग रहा है। दूसरे को रुलाने वाला इंसान खुद एक दिन रोता है मामा। सबकी वजह मैं हूँ कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं किसी से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, वो या तो जख्म देगा या जख्म दिलाएगा। इसीलिए मैं किसी से दिल नहीं लगाता और कोई मुझसे प्यार भी नहीं करती है। सही है, तुझे मुझ पर प्यार नहीं है ना? चल मामा घर में चलते हैं। आ जा मामा। वो मंदिर है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अरे तो फिर नहा के आते हैं ना। ये सब लोग इधर ही है ना, मैं भी यहीं पर। अरे मामा, मामा उठो मामा। हे भगवान, अपने बच्चे को इस हालत में देखूंगी ऐसा नहीं सोचा। मामा उठो, कल सुबह ही सबको बुलाकर एक फैसला लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। ए रानी, तू मुझे वहाँ लेकर जाएगी या नहीं? नानी मैं कह रही हूँ ना, वहाँ मत जाओ। मानती क्यों नहीं? आज मुझे वहाँ जाना ही है, बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। कनका, तुम कार में रहना, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है पापा। अरे सुनो, कहाँ हो? अभी आई जी। बताइए क्या लेंगे? नहीं वो सब कुछ नहीं चाहिए जी। नमस्ते। आपके सामने अचानक आकर खड़ा हो गया, आप सोचकर उलझन में होंगे ना। कलिनिया जब कॉलेज से आ रही थी तो कुछ लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। कलिनिया किसी तरह उनसे संभल कर आ तो गई। पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो कोड़ी आरसू के आदमी निकले। मेरे लिए मेरी बेटी ही सब कुछ है, उसे सही सलामत आपके घर में सौंप दूं तो मुझे चैन मिलेगा। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप बता सकते हैं। दोनों में से किसी एक से शादी करने के लिए मेरे पापा ने कहा था। मैं भी देखता हूं कि वो शादी कैसे करता है। मेरा भाई शादी कर रहा है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? तू अपना मुंह बंद रख। लगता है वो लोग आने लगे हैं। अब आप जरा अंदर बैठिए, मैं अभी आता हूं। ठीक है। मैं पहुंच गया हूं, जो कुछ भी होगा आपको बताऊंगा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ बोलता रहूंगा। आओ आओ, आ जाओ बेटा, आओ आओ, आ जाओ, बहुत दिनों बाद आए, आ जाओ बैठ कर बातें करते हैं। अरे बाहर क्यों खड़े हो, आ जाओ अंदर आओ। मैं यहीं पर ठीक हूँ। बड़ा आया बैठने के लिए बोल रहा है। क्या बात है पापा, सबको बाहर बैठा कर रखा है। अरे ऐसे ही बाहर बैठ कर बातें करेंगे ना, तुम बैठो ना, आओ। दरअसल मैंने एक फैसला किया है, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी जायदाद सभी बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, इसलिए सबको बुलाया है मैंने। अब मुनीम जी, जी मालिक, जरा कागजात वगैरह लेकर आइए। हाँ बड़ी बेटी महालक्ष्मी, तुझे क्या चाहिए बता। पापा अभी ये सब क्यों? तुझे वो फार्म हाउस पसंद है ना, तो तू वो रख ले। वैभव लक्ष्मी बेटी तुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा। हे तेरे बाप के दिल में क्या है ये पहले से जान ले, वरना बाद में पछताना मत। अपने बेटे को क्या दे रहे हैं पहले से ही पूछ लो। आप अपने बेटे को क्या देने वाले हैं पहले बताएंगे क्या? मैंने उससे पूछा था कि तुझे जायदाद या लड़की में से क्या चाहिए, तो उसने कहा था पापा मैं खुद कमा लूंगा। उस लड़की से उसकी शादी करवाओगे, यही कहना है ना आपको? क्या फर्क पड़ता है? ए, अच्छी तरह से सुन ले, इस जायदाद में तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमें आपकी जायदाद से प्यार है? ऐसी बात नहीं है, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। लेकिन अब ये सब अचानक क्यों? अब किसी की जिंदगी का क्या ठिकाना है, अब अगर ऐसा मेरे मन में आ ही गया है तो उसे हो जाने दो ना। शो चल जा। ठीक है, अगर ये जमीन जायदाद का मालिक नहीं होता तो कोई अपनी बेटी इसे देता क्या? सवाल ही नहीं उठता है, इसीलिए मैं जायदाद का बंटवारा करना चाहता हूँ, फिर सारी मुश्किलें खत्म। मतलब हम लोग जायदाद की लालच में शादी करवाना चाहते थे? रिश्तेदारी कोई मायने नहीं रखती क्या?
हम लड़के से शादी करवाना चाहते थे, जायदाद से नहीं। क्यों तुम ऐसी बात कर रही हो? तुम्हारा प्यार मुझे पता नहीं है क्या? कैसे मजाक उड़ा रहा है? आप भी कैसी बात कर रहे हो? अरे अभी भी तुम लोगों को अपने बाप के बारे में पता नहीं चला? तुम लोगों को तुम्हारी कीमत देकर तुम्हारा मुंह बंद करवा कर अपने बेटे की शादी कहीं और करवाना चाहते हैं। तुम लोगों को बाहर बैठा कर और समधी को अंदर बैठा कर यहाँ क्या चल रहा है वो दिखाना चाह रहे हैं, और वो अंदर बैठकर हमारी बातें सुन रहे हैं। मुझे लगा ही था। ये कोई तरीका होता है क्या? ऐसे भी कोई अपने दामाद को इज्जत देता है क्या? पहले दिन केले के पत्ते पर खाना, दूसरे दिन थाली में खाना और तीसरे दिन हाथ में, चौथे दिन जमीन पर। हे देवी माँ, कहावत बोलने के लिए तुझे यही टाइम मिला क्या? चल निकलते हैं। अरे आप रुक जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों बिना मतलब की बात कर रहे हो? क्या बिना मतलब की बात कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ, जो आया है उसकी तो जरूरत है नहीं, और जो आने वाला है तुम लोगों को उसकी जरूरत पहले है। अरे मैंने उन्हें नहीं बुलाया है, वो लोग खुद ही मुझसे बात करने के लिए यहाँ आए हैं। रिश्ते की तो बात करने आए होंगे ना? ए, आज के बाद मैं यहाँ पे पैर नहीं रखूंगा, अगर रखा तो पूछना कि क्यों रखा। वो ना सारी बहनें एक साथ हो गई हैं, झगड़ा भगड़ा करना शुरू कर दिया है। उसका परिवार वैसे इतना भी बुरा नहीं है। सुनिए पहले आप अंदर आइए, चलिए। तुझे मेरे साथ आ रहा है तो आ, नहीं तो फिर तू भी यहीं रह। जब आप जा रहे हैं तो मेरा यहाँ क्या काम? अरे सुनिए, बातों को उलझा कर जाने से क्या फायदा होने वाला है? मैं बातों को उलझा रहा हूँ? तू बात करने वाला होता कौन है मुझसे? कौन होता है जरा सोच कर तो देखो। माँ क्या आप ही बोलने लगी हैं? अब जो किया वो याद दिला रही है क्या? हाँ देखो मैं देवी। तुमसे ए, सुना तूने कितनी इज्जत दे रहे हैं? आज के बाद इस घर से रिश्ते तोड़ कर आना है तो आ जाना, अभी नहीं तो फिर किसी और के हाथ से मंगलसूत्र भिजवा देना। इतनी बड़ी बातें क्यों बोल रहे हो? इतना सब होने के बाद मैं यहाँ क्यों रुकूंगी? आज के बाद इस घर से मेरा कोई संबंध नहीं है। अब इस घर में किसी की मौत भी हो जाए तब भी यहाँ नहीं आऊंगी। बहुत अच्छी बात है, जो मेरी बात नहीं समझ रहा है वो यहाँ से चला जाए तो बेहतर है। पापा वो गुस्से में बात कर रही, तो आप क्यों गुस्से में बात कर रहे हो? तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच जो रिश्ता था, अभी और इसी वक्त से वो टूट गया है। मेरे मरने पर भी मत आना, वरना तुम बाप के रिश्ते से आओगे और ये मामा के रिश्ते से आएगा। वो क्रियाकर्म का सामान मुझे अभी दे दो, मैं चली जाती हूँ। ये रिश्ता रखने से अच्छा है कि मैं खुद ही जलकर मर जाऊं। अरे क्या बोल रही है तू? घर के अंदर जाओ और कफन लाकर इसके मुंह पर फेंक दो। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पापा ये आप कैसे कह सकते हैं? ये सब अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं पापा, कोई इनको भड़का रहा है, लेकिन आप गुस्से में कुछ मत बोल देना। हाँ पापा। दीदी दीदी पापा गुस्से में ये सब बोल रहे हैं, आप जरा शांत हो जाओ। जाकर ले आओ कफन, वरना तुम भी इस घर से चली जाओ। माँ माँ रुक जाओ माँ। मालकिन मतलब हमारा भी अंजाम यही होगा क्या? आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। हाँ सही कहा, ठीक कह रही हो। इज्जत देने की बात करके बेइज्जत कर रही हो। खुश रहो, हमारे चार दामाद अलग अलग कोख से जन्मे हैं, इसलिए उनकी सोच अलग है, लेकिन तुम सब तो एक ही कोख से जन्मी हो, फिर तुम्हारी सोच अलग कैसे हो सकती है? तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए एक लड़के को जन्म दिया था, आज जबकि वो तकलीफ में है तो तुम सब स्वार्थी हो गई हो। हमने जिस फसल को अपना बच्चा समझा वो लोग उसको काट कर चले गए, पूरा गाँव यहाँ आया, पर तुम लोगों का आने का मन नहीं किया। हर वक्त दूसरों के बारे में सोचने वाले को यह दुनिया रुलाती है, यही आज का दस्तूर बन गया है, पर मैं अपने बच्चे को रोते नहीं देख सकता। मैंने उसी दिन इससे कहा था कि अगर हमारे परिवार में से कोई एक भी यहाँ नहीं आया तो तेरी शादी नहीं होगी। तू किधर जा रही है? कार में जाके बैठ। पर अब तुम लोग आओ या ना आओ, ये शादी तो जरूर होगी, और ये फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है। लाइए मुझे दीजिए, क्योंकि मुझे अपने बेटे की खुशियां प्यारी हैं। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, आप लोगों को आपस में झगड़ने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार को मैं बिखेरना नहीं चाहता, आप इसकी शादी कहीं भी करवाइए, आपके परिवार को तोड़ने की वजह मैं नहीं बनना चाहता। अब मैं क्या करूं? मार दे हथौड़ा। ये सब क्या बात कर रहे हैं आप? कफन वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या अच्छी बात? क्या बोला तुमने? हमारे घर के मामले में बोलने वाले हो गए। सुनिए थोड़ा इज्जत से बात कीजिए ना। ए कौन मर्यादा से बात कर रहा है? पापा से ऐसे बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए इज्जत से बात कीजिए। क्या रे मारने आ रहा है क्या तू? अरे क्या आप ही कौन रे? मेरे जीजाजी को बेइज्जत करता है? हैं जा बोलता है क्या? दिखाओ मेरे को अभी। एक काम कीजिए बजाओ ना। ए अब मुझे और ए हाथ से लगा रहा इधर आ। चल तू घर में इधर मैं बता क्या कर रहा है। अरे रुकिए क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो आप? शांत हो जाइए सब लोग। अरे मेरी बात तो सुनिए ना, शांत हो जाइए। एक दूसरे से लड़ो मत, बैठ कर फैसला करो। रुकिए पहले उस तरफ जाइए, रुकिए आप लोग। अरे क्या हो रहा है ये? रुक जाओ मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, बंद करो ये सब। घर आए मेरे पापा पर तुमने हाथ उठाया, इसका जवाब तुम्हें देना होगा। मेहरबानी करके सब लोग यहाँ से चले जाइए, मैं कह रहा हूँ चले जाइए।
दादी मेरी एक मदद कर सकती हो? बोल मेरे बच्चे क्या करना है। आज तक मैंने तुम लोगों से कुछ नहीं मांगा है, 90 साल की हो गई हूँ। सब लोग मिलकर मंदिर में मेरे सिर पर एक लोटा पानी डाल दोगे तो मैं चैन से मर सकूंगी, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। जब बुलाएंगे तब जाएंगे, जब जाने के लिए कहेंगे तब चले जाएंगे। हमें मिनी बस समझ के रखा है क्या? अरे चलो मामा आबे। एक दिन की बारिश से तुम्हारा सारा रिश्ता शक्कर की तरह पानी में घुल गया। इतना बड़ा परिवार होते हुए मैं अपने दिल की बात किसी को नहीं बता सकती। आज मेरे पास कोई भी नहीं है। अब उस घर में कदम कौन रखेगा? वैसे किसी मंदिर या मंडप में भी करवा सकते हैं। देख अगर तू चाहेगी तो सबको इकट्ठा करके एक साथ ला सकती है। ए छोटी, जब तक मैं जिंदा हूँ तो मुझे मिलने नहीं आई, जब मर जाऊंगी तब मुझे माला पहनाने तो आएगी ना, या फिर उस वक्त भी नहीं आएगी। तेरी उस फटफटी पर बैठकर मेरी तो कमर ही टूट गई, चलना भी मुश्किल हो गया है। बेटा तेरी सभी बहनें आने को तैयार हैं? दादी के प्रोग्राम में पूरा गांव आएगा तो सब दीदियां नहीं आएंगी क्या? घर का काम है तो करना ही पड़ेगा। नानी चलो ना। कहाँ? तुम्हारी माँ का कार्यक्रम है। मैं नहीं आ रही हूँ। हम सबकी खुशियों के लिए हमारी पर नानी ने मंदिर की कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी, हमें मुस्कुराते हुए जाना चाहिए ना वहाँ पर। नहीं आ रही हूँ कहा ना। नानी नहीं आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ। वो देखो मामा स्पॉन्सर आ गया। नमस्ते। आइए आइए आइए। ये देखिए टीपर। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? ठीक हो ना? अच्छा मुझे। अच्छा मेरी ब्लड। नमस्ते। सुन तो। हेलो तुम भी आ गए क्या? हाँ सब लोग आ गए यहाँ पर। नमस्ते। आजा आजा आजा। बोल। क्या हुआ जी? ताम्रमलालन सेंडियार का इस गांव में बहुत बड़ा नाम है। तुम्हारे घर में जो ये खाना देने वाले हैं उनके लिए मैं नीलाम नहीं कर सकता। कोई भी ऐरा गहरा आ जाता यहाँ पे। थू! सुनिए मेरी बात तो सुनिए। सुनिए तो नाम बड़ी चीज ना? होती है। क्या हुआ, मिनी बस ने यू टर्न क्यों ले लिया? यू टर्न लेकर के क्यों जा रहे हैं? आइए। नमस्ते। आइए आओ बेटी। आइए। नमस्ते। नमस्ते। बेटी वेलकम वेलकम। नमस्ते नमस्ते। आओ बेटी आओ। चलिए चलिए, इतनी अकड़ के क्यों जा रही है? आइए आइए आइए। नमस्ते। यही एक इंसान है जो बिना बुलाए आता है, बहुत सही आदमी है ये। नमस्ते नमस्ते। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ भाई। भाई इस फंक्शन में घुसकर दंगा करके तुझे मारने का प्लान किया है, जरा बच गया ठीक है ना? बता दे रहा हूँ। नमस्ते। कितने लोग हैं? अपने जीजा से संभल कर रहना, सबका खोखा पहुंचा दिया है, संभल कर रहना। नमस्ते नमस्ते। आता हूँ, मेरा फर्ज था बताना, बता दिया ठीक है ना? नमस्ते 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 नमस्ते। क्या मामा, बेकार इंसान है वो जिससे आप खड़े होकर के बात कर रहे थे। आदमी रखना सिर्फ उसी को आता है। मैंने भी अपने घर में आदमी रखे हैं, वो अपनी पार्टी के हैं। चला जा देखते हैं। जीती रहो बेटी, हमेशा खुश रहो। अरे आपका पैर छूना तो मेरा सौभाग्य है। खुश रहो। आप जाइए ना। तू जो कुछ कर रहा है वो हर किसी के बस की बात नहीं है बेटा। तेरा दिल बहुत बड़ा है, हमेशा खुश रहो, सदा सुहागन रहो बेटी। हाँ आपसे ही बोल रहा हूँ, इस फंक्शन में आकर आप लोगों ने इसकी शोभा बढ़ाई है। कम से कम खाना वाना खा करके जाइएगा, आप तो ऐसे जा रहे हैं जैसे पराये में आए थे। गाली देना है तो मुंह पे दो, ऐसे दिल में रख करके मत घूमो भाई। आग है तो बुझाना तो पड़ेगा ही ना। खाना खाकर ही जाओ। अरे सुनो, इस घर की लड़की से शादी की है इस नाते यहाँ आया हूँ मैं, मेरा मुंह मत खुलवाओ। आपके अंदर अकड़ और घमंड कुछ ज्यादा ही दिख रहा है मुझे।
अपने आप को जंगल का शेर समझते हैं क्या? हाँ मैं शेर हूँ, बोल क्या कर सकता है, बोल ना। गुस्सा है तो यही थोक दो ना बेटा, गुस्सा कचरे की तरह होता है। कौन मैं गुस्सा कर रहा हूँ? मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरी बेटी से बढ़कर उसमें ऐसा क्या है? क्यों ऐसा किया? क्यों मेरा मुँह खुलवा रहे हो? सुनिए, आपको जरा भी अक्ल है क्या? सबकी वजह वो है और आप उससे बात कर रहे हैं? वो तो ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मासूम बनकर। मुझे तो लगता है अपने ससुर को यहीं कहीं छिपा कर रखा होगा, हमें यहाँ बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था। माँ, अरे ए छोड़। माँ, दीदी मेरी बात तो सुनो। ए सुन, मैं कल ही अपनी बेटी की शादी करवा दूंगी, अपने आप को मामा बताकर मैं ही माला पहनाऊंगी इसे, और अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। हाँ भाई, भाई कहकर इसको हमने सर पर उठा कर रखा था, लेकिन इसने तो हमारे दिल को मटके की तरह तोड़ दिया है। आज तक हम सब बहनों के बीच में जितनी भी खुशियाँ थी, आज वो खुशियाँ रही ही नहीं। सब लोग एक दूसरे को मुंह फेर कर चली जाती हैं। अपना पन नाम की कोई चीज रही ही नहीं। दूसरे की खुशियों के लिए तुमने हमारी खुशियों की बलि चढ़ा दी। उसमें ऐसा क्या है जो तू उसे पसंद करता है? अभी भी ऐसा नहीं कह रहा कि उसे छोड़कर इससे शादी कर लेता हूँ। ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग? तो फिर अब तक शादी क्यों नहीं की उसने? माँ, आपके षड्यंत्र के बारे में हमें सब पता है। पीठ पर वार करती और मुंह पे मुस्कान रखती हो। इसे पकड़िए माँ, अब मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ देखो, अभी तुम लोग मंदिर के अंदर खड़े हो, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो। हाँ, क्या तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ? तेरा पति बेरोजगार था, उसे मिनी बस खरीद कर किसने दी? तेरे भाई ने ही दी थी ना, कर्ज से पैसे लिए थे, आज तक उस बस के लिए कर्जा भर रहा है बेचारा तेरा भाई, और तू ऐसी बातें कर रही है? और तेरे बच्चों को किसने पढ़ाया ये तो बता। तीन लड़कियों की शादी करवानी है इसलिए बैंक में पैसे डिपॉजिट करके रखे, और तुम लोग इस तरह की बातें करती हो, उसके बारे में शर्म नहीं आती? बैसाखी हो, पोंगल हो, दीपावली हो, हर त्योहार में तुम लोगों के लिए क्या नहीं किया उसने, और तुम लोगों के जन्मदिन पर? जो किया है उसकी उलाहना मत करो, इससे बेहतर होता कि नहीं करते। ये बोल रही है तो इनको बोलने दो ना माँ। मैं इनको कोई उलाहना नहीं दे रही, बस इन्हें सब याद दिला रही हूँ। क्या मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की बेटियों की शादी बड़े अच्छे घर में हो? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये लोग क्या चाहती हैं, किस तरह की बातें सोचती हैं। क्या एक माँ के दिल में अपने बेटे के लिए कुछ इच्छाएं नहीं हो सकती? क्या मेरा दिल नहीं चाहता मेरे बच्चे खुश रहे? इसने सारे दुख उठाए पर तुम लोगों को खुशी देने की कोशिश की, और आज इसके बारे में किस तरह की बातें कर रही हो? तुम नहीं जानती इसके बारे में? तुम लोग खुश रहो इसलिए हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, सबके ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की है। तुम लोग जानती हो कि जो जिम्मेदारियां तुम्हारे पतियों को निभानी थी वो सारी जिम्मेदारियां मेरे बेटे ने निभाई है, सारे बोझ उठाए हैं उसने। तुम पूछो अपने आप से कैसी बहने हो तुम लोग? तुम लोगों ने क्या किया है अपने भाई के लिए? क्या किया है अपने भाई के लिए? जब तुम बीमार पड़ती थी तो मेरा बेटा ही तुम्हें अस्पताल लेकर जाता था, तुम्हारे पति नहीं लेकर जाते थे। कितनी सेवा की, कितना पीछे भटका, सब कुछ भूल गई तुम लोग, और आज देखो कितना अकेला कर दिया है मेरे बेटे को। हेलो, लाइन पे हो क्या? कहाँ मर गए? इसके पावन मन को कोई समझ नहीं पाया मेरे को। अरे ये क्या कर रही है? हम लोग तेरे पैर धोकर पानी पिए तब भी कम है, माफ कर दे हम सबको। बहुत भला बुरा कहा ना हमने तुझसे, मेरे पति की कितनी मदद की है तूने, इस बार माफ नहीं करेगा क्या अपनी बहन को? बड़ा दिल है तेरा, माफ कर दे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साले साहब, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, यही गुस्सा है ना आपके मन में, इसलिए एक दूसरे से इस तरह मुंह फेर कर जा रहे हो। चाहो तो मुझे गाली दो, ये आप लोगों का हक है। मुझे मारना है तो मार लो, मेरे साथ जो भी करोगे मैं सह लूंगा, लेकिन मेहरबानी करके मुझसे बात किए बिना मत रहो, मैं सह नहीं कर सकता। आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो भी एक तरह का प्यार ही है, और मैं भी जो कर रहा हूँ वो एक तरह का प्यार है। अभी आप लोग मेरा गुनाह बता रहे हो कि मैंने आप लोगों के कहने पर शादी नहीं की, लेकिन कोई मेरी मजबूरी समझ सकता है? मेरी परवरिश के बारे में बात करने लग गए, आप कह रही है कि आपने मुझे ऐसे पाला, उस बात के लिए मैं आपका कर्जदार हूँ, और ये भी ऐसा ही बात कर रही है, कह रही है तेरे बचपन में मैंने तेरा मुंडन करवाया था। अरे लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि मुझे उसे प्यार हो जाए? जब भी मैं उसे देखता हूँ तो उसके चेहरे पर मुझे अपनी बहन दिखाई देती है, मैं कैसे अपना घर उसके साथ बसा सकता हूँ? अरे मुझे बचपन से आप लोग देखते आ रहे हो, आपकी इच्छा के अनुसार अगर शादी करूं तो दो लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी। मैं किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, दीदी के मन को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए,
रिश्तेदारी टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए 40 साल के मामा से 16 साल की लड़की की शादी करवा देते हैं। वो बच्चों को जन्म देकर अभी भी तकलीफ भोग रही है, सब हम लोग नहीं देखते। अगर मैं इससे शादी करूंगा तो इसको दुख होगा, और अगर उससे शादी करूंगा तो इसको दुख होगा। दोनों को भी कोई दुख ना हो, इसलिए मैंने बाहर जाने की कोशिश की, और वो मेरी जिंदगी में आए, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। शायद भगवान की यही इच्छा है, इसलिए मैंने आप सबको बताया, और इस बात को लेकर आपने एक दूसरे से मुंह फेर लिया। ठीक है, अभी बताइए, मैं इससे शादी करूं कर लेता हूं, या चंदा से शादी करनी है, या फिर दोनों से शादी करनी है, बोलिए। अपने धर्म में दो शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग जो बोलोगे वो मैं कर लूंगा, लेकिन ये रिश्ता नहीं टूटे। किसी का दिल दुखना नहीं चाहिए, वरना मुझे बहुत तकलीफ होगी। रिश्तेदारी में शादी करके हर कोई खुशी रहता है बेटा, तुम भी कर लो। मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये बातें करना, हंसना, मिलजुल कर रहना, मुझे किसी में अलग अलग चीजें पसंद नहीं है, पर सिर्फ तुम में पसंद है गुणा, तुम हमेशा ऐसे ही रहना। अच्छी बात है, इसके कोई पिता नहीं है तो इसी से शादी करवा देते हैं। मुझसे शादी करने के लिए तुम तैयार हो ना गुणा? शादी कर लूंगा। तुम खुश तो रहोगे ना गुणा? कोशिश करूंगा मैं, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आपको रोना भी आता है, ये मुझे नहीं पता था। आपको रोते हुए देखूंगी, ऐसा कभी नहीं सोचा था। सबको हंसाते हो, सबके लिए जोकर बनकर घूमते हो, लेकिन आज हम सबको रुला दिया गुणा। ऐसा क्यों किया गुणा, ऐसा क्यों किया? ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी जायदाद है, जिस लड़की को ये पसंद करता है उसी लड़की से उसकी शादी कराऊंगी। अगर किसी ने रोका तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मेरी माँ अभी इसके गले में मंगलसूत्र पहनाने को कह रही है। इन लोगों ने मुझे बुलाया, इसीलिए यहाँ आई हूँ। मेरे पापा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। डरो मत बेटी, मेरे मामा बहुत गुस्से में हैं। हालात अपने आप परिस्थितियों को बदल देता है। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, निश्चिंत होकर जाओ। हमने तुझे अपने परिवार का हिस्सा समझा था। उस कोड़ियारसू ने हमारे परिवार के गले पे तलवार रखी है। मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है। मेरे सारे रिश्तेदार नीचे बैठ जाओ। आसपास में कोई नया चेहरा बैठा है क्या? ये है ना, एक कहां से हेलो, क्या हुआ, तू लाइन पे है क्या? ए छुप कर वार करता है कायर। मर्द का बच्चा है तो सामने आकर मेरे बेटे से मुकाबला कर। ए चलो रे, चलो आओ, चलो आ जाओ, चलो चलो। ए गाड़ी में बैठो, जल्दी बैठो। सुन बेटा, इसे इसके घर पर पहुंचा दे। ठीक है पापा। गुड़ा सिंघम, तेरा बाप मैं मर्द हूं कि नहीं ये पूछ रहा था, इसीलिए मैं यहां आया हूं। सिर्फ तू लड़की उठा सकता है क्या? मैं भी उठा सकता हूं। हाँ, तूने एक को उठाया। मैंने दो लड़कियों को उठाया। दो नहीं भाई, तीन। अरे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा क्या? उसको यहां छोड़ के बाकियों को लेके जा। चलो उतरो। अरे ओ लड़कियों, हाय गुणा, डर लग रहा है क्या? डर? हमें क्यों डर लगेगा जब तुम हमारे साथ हो। छोटे मामा, अच्छी तरह से पिटाई करना, हम फाइट देखने आए हैं। अबे ओ चरसे, ए रुमाल,
तुम दोनों बाहर आओ। क्यों? मैं जिसको मारता हूँ ना उसका वजन कम से कम 50 किलो होना चाहिए। तुम दोनों अंडर वेट हो, गेट आउट। चलो आओ। अच्छा वैसे इसमें कोई किसान है क्या? वो लोग मेरी तरफ आ जाओ। किस लिए? किसान के पेट पे पहले इलाज पड़ चुकी है ना, उसको मैं भी मारूं क्या? किसान किसान को नहीं मार सकता, इसलिए बोल रहा हूं। हे, किधर जा रहे रे? किसान किसान के पास ही जाएगा ना। जा रहा हूं। और यहाँ पर बीपी शुगर हार्ट पेशेंट ऐसा कोई है क्या? अगर है तो इस तरफ आ जाओ। हाँ मेरे को है। हाँ मुझे भी। खेतों में काम करके हाथ एकदम कड़क हो चुके हैं, अभी इतना मारूंगा ना। मारो रे। जिनको अपने भाई की तरह पाला था उनको तुम लोगों ने मार डाला। सिंघम की। अरे आओ आओ बेटा आओ, आओ, आओ। देख रहे हो आज हमारा पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा है तो कितना अच्छा लग रहा है। इसे कहते हैं खुशहाल और भरा पूरा परिवार। चलो अच्छा है, कम से कम सब लोग एक तो हो गए। स्टॉप, हमें भी चलना आता है। ए जाओ। ये शुरू हो गया, देखा? हेलो, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या टेंशन? आओ आओ आओ। ए बैठ जाना। पापा, परी पैदा हुई है, अपने घर में महालक्ष्मी आई है। माँ ने 4 लड़कियों को जन्म देने के बाद 5वें लड़के को जन्म दिया, अभी भाई का क्या अगला बेटा होने वाला है?
फैमिली प्लानिंग करने के लिए बोल दिया है। क्यों रे? फैमिली प्लानिंग? क्या? ये क्या बोल रहा है बेटा? लड़का पैदा नहीं होगा क्या? बच्चों में लड़का लड़की क्या होता है पापा? जन्म देने से कुछ नहीं होता, परवरिश जरूरी है। इस परी के बाद और क्या चाहिए? अभी लड़कियों की डिमांड ज्यादा है। बच्ची, लगता है तुझे भी मैं ही पालूंगा। पापा कैसे हंस रहे हैं वैसे हंसो।